A very good day to everyone. This is Ankita Arora from Study Made Easy, engaged in teaching DT and IDT for CA Final and CA Inter GST. ये जो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हो ना, दिस इज गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर ईच ऑफ द स्टूडेंट ऑफ CA Final, बिकॉज यहाँ हम ITC के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे. और ITC के ये क्वेश्चन यू ऑल्सो नो, आई ऑल्सो नो दैट क्वेश्चन नंबर वन इज नॉट जस्ट ITC. व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन नंबर वन, इट इज ऑल अबाउट प्लेस ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, मेगा एग्जेम्पशन, सप्लाई की डेफिनेशन, ये बहुत सारी चीजों का मिक्स होता है. तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि मैं क्वेश्चन डिस्कस कर लूँ. देखो, बहुत डिटेल में प्रोविजन की उम्मीद मत रखना. द रीजन बींग, क्योंकि अगर आपने प्रोविजन की उम्मीद रखी तो ये तो फिर से पूरी एक क्लास हो जाएगी ITC की. तो मैंने कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन देखे हैं जो मुझे लगता है कि ये टफ टफ है. बाकी जो रिपीटेड थे और जो बहुत इजी थे उसमें मैंने सेल्फ मार्क किया है. ये जो PDF है, ऑब्वियसली ये PDF आपको स्पेसिफिकली ITC के क्वेश्चन का मेरा टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा. डिस्क्रिप्शन में यू वुड बी हैविंग द लिंक, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो. विदाउट वेस्टिंग द टाइम मैं डायरेक्टली स्टार्ट करती हूँ विद द क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17. मैम, क्वेश्चन 1 से 16 तक आपने नहीं करा क्योंकि वहां पे छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. तो आप 1 से 16 तक ऐसे क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे, जिनको एक्चुअल में मैं नहीं कराऊंगी. देन ऑल्सो जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर चुकी होंगी उसके बाद इजिली वुड बी एबल टू डू दैट. अब जैसे कि आप देख सकते हो, यहाँ मैंने सेल्फ इसीलिए लिखा है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन है जिनको एक्चुअल में मैं नहीं एक्सप्लेन करूँ, मोर देन सफिशियंट रहेंगे. आते हैं हम थोड़े ट्रिकी और बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पे. दैट इज गोइंग टू बी माई क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 किसके ऊपर है? क्वेश्चन नंबर 17 है मेरा, आपने रूल नंबर 42 किया होगा. रूल नंबर 42 ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट किस चीज के लिए है? कि जब आप कैपिटल गुड्स को परचेस करते हो तो कैपिटल गुड्स परचेस करते वक्त आपको ITC कैसे कैलकुलेट करना होता है. तो मैं सबसे पहले छोटा सा प्रोविजन डिस्कस कर लेती हूँ. यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, छोटा एक अलग नोट खोल लेती हूँ जिसमें हम थोड़ा सा क्या कर पाएंगे, डिस्कशन कर पाएंगे. तो देखो भाई, यहाँ पर मैं आपको क्या बोल रही हूँ, हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर रूल नंबर 42, जो है मेरा क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में जो रूल नंबर 42 है उसका क्रक्स मैं आपको बता रही हूँ. वो क्रक्स क्या कहता है? क्रक्स बड़ा सिंपल है भाई. क्रक्स ये है कि अगर आप कोई भी कैपिटल गुड्स परचेस करके आते हैं और जब आप कैपिटल गुड्स परचेस करके आते हैं, उनको परचेस करने का आपका जो होल सोल इंटेंशन है वो मैटर करेगा. अगर आप कैपिटल गुड्स परचेस करके आते हैं और आपका जो इंटेंशन है वो इंटेंशन ये है, तो आपका जो होल सोल इंटेंशन है वो इंटेंशन बड़ा ही मैटर करने वाला है विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल गुड्स. मतलब मैम क्या कहना चाहते हो, मैं शॉर्ट में अब आपको जल्दी से समझाती हूँ. देखो, हमने ITC में ये चीज समझी थी, वी हैव अंडरस्टूड दिस थिंग इन ITC, दैट इफ यू वांट टू क्लेम ITC ऑन कैपिटल गुड्स या फिर इवन इट इज इनपुट सर्विस, यू वांट टू क्लेम द ITC, दिस शुड बी यूज्ड फॉर द बिजनेस पर्पस एंड दिस शुड बी यूज्ड फॉर टैक्सेबल पर्पस. तो बिजनेस एंड टैक्सेबल पर्पस के लिए चीजें यूज होनी चाहिए, देन ओनली यू आर एलिजिबल टू क्लेम ITC. मैं थोड़ा सा इंग्लिश भी ज्यादा यूज करूंगी सो दैट साउथ के स्टूडेंट्स भी इसको अच्छे से समझ पाए और देख पाए. So, when it is with respect to capital goods and you want कि आपको क्या मिलना चाहिए, ITC मिलना चाहिए, the condition is it should be used for business purpose and should be used for taxable supply. अगर ऐसा होता है when you purchase capital goods और वो उसी चीज के लिए use हो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि whenever you will purchase these goods, इसका मतलब जो GST आपने pay किया है उसका input tax credit आपका electronic credit ledger में क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. अब सपोज करो ये कैपिटल गुड्स हैं जिन्हें मैं परचेस करके, एंड माय होल सोल इंटेंशन टू द परचेस ऑफ द कैपिटल गुड इज आई विल बी यूजिंग इट फॉर एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई. अगर आप परचेस करके आए हैं कैपिटल गुड्स, आप सोच रहे हैं कि इसको टैक्सेबल सप्लाई के लिए ही यूज करेंगे, तो इन सच अ केस आपने जो भी GST पे किया होगा फॉर द परचेस ऑफ दिस कैपिटल गुड्स, वो GST ITC के फॉर्म में आपके इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है. सेकेंड, आई अगेन परचेज द कैपिटल गुड्स बट नाउ माई होल सोल इंटेंशन इज एक्सक्लूसिव
क्या करूंगी, यूज करूंगी, तो दैट मीन्स व्हेन इट इज बीइंग यूज्ड फॉर एग्जेम सप्लाई, तो इसका मतलब जो जीएसटी मैंने पे किया होगा उसका आईटीसी आई विल नॉट गेट, तो ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं रिफ्लेक्ट होगा। देन अब मैं मैम जो कैपिटल गुड्स लेके आ रही हूँ वो पता है मैम कैसे कैपिटल गुड्स है, आई विल यूज इट फॉर एक्सक्लूसिवली नॉन बिजनेस पर्पस, ये पर्सनल पर्पस के लिए यूज होंगे, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए, तो वट एवर जीएसटी आई विल बी पेइंग इस पे भी मैम आपको आईटीसी नहीं मिलेगा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कोई अमाउंट नहीं जाने। अब मैम जो मैं गुड्स ला रही हूँ वो एक्सक्लूसिवली बिजनेस पर्पस के लिए यूज होंगे, जीएसटी जो आप पे करोगे उसका आईटीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आएगा। द थिंग इज ये बिजनेस पर्पस में यूज हुई चीज टैक्सेबल नेचर के लिए होनी चाहिए। मैम अगर हम कैपिटल गुड्स लेके आए दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई बोथ, इनमें जो प्रोडक्ट बनेगा कैपिटल गुड्स में दैट वुड बी टैक्सेबल प्रोडक्ट ऑल्सो एंड एग्जेम्प्ट प्रोडक्ट ऑल्सो, तब वो बोलते हैं कि ऐसे केस में जितना भी जीएसटी यू हैव पेड ऑन द परचेस ऑफ दिस मशीनरी और कैपिटल गुड्स, पहले तो उसको क्या करो आप आईटीसी के फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ले लो। लेकिन अब क्या होगा, हर मंथ आपका देखो आपको पता है कैपिटल गुड्स का जो आईटीसी है वो एक साथ आप नहीं ले सकते, दैट यू कैन अवेल इन 60 मंथ, तो बोलते हैं हर मंथ जितना एग्जेम सप्लाई होगा, एवरी मंथ जितना क्या होगा आपका एग्जेम सप्लाई होगा, उस एग्जेम सप्लाई के प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, रिवर्सल कर देंगे आपके आईटीसी का। आईटीसी रिवर्सल करने का मतलब है आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में हम क्या कर देंगे, उतने अमाउंट को एड कर देंगे, ये आप समझ चुके होंगे। जैसे सपोज मैम जुलाई मंथ है, जुलाई मंथ का टोटल टर्नओवर इतना, तो मेरा ओवरऑल इनपुट टैक्स क्रेडिट मेरे पास इतना है, तो मैम एग्जेम टर्नओवर के रिस्पेक्ट में मेरा आईटीसी कितना होगा, दैट आई विल बी एबल टू कैलकुलेट, और जितना कैलकुलेट हुआ है वो मैं आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि एग्जेम वाली चीजों पर आईटीसी नहीं मिलता है, तो वो मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड हो गया, दैट मीन्स रिवर्सल ऑफ आईटीसी, इसे ही कहते हैं। अब मैम इसके अलावा एक कंडीशन और आएगी, When I have purchased this capital goods, तब मेरा intention था कि मैं इसे taxable purpose के लिए use करूंगी। लेकिन after some time, यही capital goods पे कुछ तो notification आ गया और अब वो हो गए हैं totally exempt। That means, जब इन्हें खरीदा होगा electronic credit ledger में मेरा ITC credit हुआ होगा। But अब क्या हो गया? Because being an exempt supply, अब ये exempt nature के हो गए हैं, तो अभी credit ledger में amount तो है, बट अब इसका आईटीसी नहीं मिलेगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से रिवर्सल स्टार्ट करना होगा। सिमिलरली जब लिया था मैम तब एग्जेम सप्लाई था, तो आपने इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कुछ भी नहीं लिया होगा, बिकॉज माय इंटेंशन वाज एग्जेम सप्लाई, या फिर मेरा इंटेंशन क्या था, टोटली नॉन बिजनेस पर्पस था, तो मैंने कुछ भी क्रेडिट लेजर में नहीं लिया होगा। बट आगे चल के मैम ये हो गया टैक्सेबल, या फिर ये बिजनेस पर्पस के लिए यूज होने लगा, तो अब मैम सपोज करो 2016 में आई हैव परचेज द कैपिटल गुड्स फॉर एग्जेम सप्लाई एंड इन 2018 नाउ इट इज टैक्सेबल नेचर का सप्लाई, तो बोलते ये 2 साल का, ये 2 ईयर्स का जो आपने क्या किया, यहाँ पे सपोज करो आपका आईटीसी बनना चाहिए था कितना, 1 लाख, व्हेन यू हैव परचेज दैट कैपिटल गुड्स तब आपने जीएसटी 1 लाख पे किया, तो बोलते क्या मैम आज यहाँ पे हम पूरा 1 लाख क्रेडिट कर दे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, बिकॉज नाउ दिस कैपिटल गुड हैज बिकम टैक्सेबल नेचर के लिए यूजफुल, तो क्या मैं पूरा 1 लाख यहाँ पे लेके चली जाऊं, तो आंसर इज नो। यहाँ बोलते ईच क्वार्टर, इतने टाइम में जितने भी क्वार्टर आए हैं, फॉर ईच क्वार्टर यू हैव टू रिड्यूस 5% फ्रॉम दिस अमाउंट, और रिड्यूस अमाउंट हर क्वार्टर का जितना भी क्वार्टर का होगा, एन नंबर जो भी क्वार्टर होंगे वो रिड्यूस अमाउंट ही आप क्या करोगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेके आओगे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्यों समझाया, क्योंकि ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने थोड़ा सा आपको इसका क्या दे दिया, एक क्रक्स दे दिया। अब क्वेश्चन क्या कहता है, तो हम आते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन के ऊपर। अब ये क्वेश्चन का कहना क्या है, ये क्वेश्चन कहता है XYZ लिमिटेड एक मैन्युफैक्चरर है, ठीक है, जो सबसे पहले याद रखना आईटीसी के क्वेश्चन में आपको ये नोटिस करना है, आपको ये नोट करना है कि जो पर्सन है वो कहाँ पे रजिस्टर्ड है। तो मैंने यहाँ पे हाईलाइट करा है ये XYZ जो है ये यूपी में रजिस्टर्ड है, क्योंकि इसी से मुझे पता चलेगा इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट,
फिर बोलते हैं ये मैन्युफैक्चर करते हैं दो तरह के टैक्सेबल प्रोडक्ट्स। यहाँ पे दो तरह के टैक्सेबल प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग होती है, अल्फा एंड बीटा। तो इसका मतलब मैम, अल्फा एंड बीटा के लिए जो भी रॉ मटेरियल आएगा, वट एवर रॉ मटेरियल वी विल गेट फॉर अल्फा एंड बीटा, उसका ITC हमें मिलेगा। बिल्कुल। और एक और प्रोडक्ट है मैम, एग्जेम्प्ट नेचर का प्रोडक्ट भी ये मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज गामा। तो ए एंड बी आर नाउ टैक्सेबल। अभी अल्फा बीटा भी टैक्सेबल है और गामा जो है मेरा एग्जेम्प्ट है। 1 अक्टूबर को क्या हुआ मैम, 1 अक्टूबर को कुछ तो नोटिफिकेशन आ गया। अब पता है क्या हुआ, नोटिफिकेशन से गामा हो गया टैक्सेबल और बीटा हो गया एग्जेम्प्ट। तो बस इस चीज को याद रखना, ए बी पहले टैक्सेबल थे, अल्फा बीटा टैक्सेबल थे, अब बीटा हो गया एग्जेम्प्ट और गामा जो एग्जेम्प्ट था वो हो गया क्या, टैक्सेबल। लेकिन ये हुआ है 1 अक्टूबर से। अब यहाँ पे ये बोलते हैं कि देखो भाई, हमने तो अल्फा बीटा गामा का अक्टूबर मंथ का पूरा टर्नओवर भी आपको दे दिया। अब मेरी बात समझो, इसको मैं थोड़ा स्लो चलूंगी। पहले वाले क्वेश्चन में आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगी मैं, ताकि आगे के क्वेश्चंस की स्टेप्स आपको समझ में। सबसे पहले मुझे इतना समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन में मैं सबसे लास्ट में जाऊं तो मैंने इस क्लास में भी ये समझाया था, देखो 4 चीजें पूछी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन ने बोला है सबसे पहले तो बताओ तुम्हारे पास ITC कितना है अक्टूबर मंथ का, हाउ मच ITC यू हैव फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, तुम्हारे पास कॉमन क्रेडिट कितना है वो बताओ, फिर तुम ये बताओ कि इस कॉमन क्रेडिट के बाद एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना कॉमन क्रेडिट है। ये जो कॉमन क्रेडिट तुमने कैलकुलेट किया, इस कॉमन क्रेडिट में से एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए कितना क्रेडिट जाएगा वो बताओ, और ये बताओ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से अक्टूबर मंथ में तुम्हें कितना पे करना पड़ेगा। समझो मेरी बात, सबसे पहले होता क्या है, सबसे पहले आप क्या करते हैं, जब परचेस करके आते हैं कोई भी चीज तो आप GST पे करते हैं। वो GST आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आता है, दैट मींस आपका ITC पूछ रहा है कि कितना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आपके पास अक्टूबर मंथ में ITC है। अब इस ITC में कुछ ऐसे ITC होंगे जो कॉमन क्रेडिट वाले होंगे। कॉमन क्रेडिट मतलब क्या मैम, जैसे अभी मैंने आपको बताया था कैपिटल गुड्स यूज फॉर टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट सप्लाई। कुछ ऐसे कैपिटल गुड्स होंगे वो बिजनेस एज वेल एज पर्सनल पर्पस के लिए यूज होंगे। ज्यादा दूर क्या जाना, मेरा लैपटॉप ले लो, मेरा iPad ले लो, पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज होता है, बिजनेस पर्पस के लिए भी यूज होता है, उसमें कॉमन क्रेडिट हो गया। तो बोलते हैं अब इस इनपुट क्रेडिट में से तुम ये बताओ कि तुम्हारे पास कॉमन क्रेडिट कितना है, तुम्हारे पास कॉमन क्रेडिट कितना है। अब इस कॉमन क्रेडिट में से एग्जेम्प्ट सप्लाई का क्रेडिट अलग निकाल लो। अब कैसे निकालेंगे वो हम देखते जाएंगे। और साथ में बोलते चलो तुमने अपना क्रेडिट वेडिट सब कैलकुलेट कर लिया, बोलते देखो जो भी तुम्हारी GST की लाइबिलिटी आएगी उस लाइबिलिटी को पे करने से पहले आप ITC यूटिलाइज करेंगे और फिर ही तो कैश लेजर में से पेमेंट करेंगे। तो वो यही बोल रहा है कि बताओ तुम्हें कैश लेजर से पेमेंट कितना करना है। क्वेश्चन के फॉर्मेट को समझो, अगर आपने गलती करी यहां तो ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा, ये भी गलत होगा। एक गलती की पेनाल्टी बहुत बड़ी हो सकती है, क्योंकि अगर ये ही गलत निकला तो कैसे बोलोगे कैश लेजर तक सही जाओगे, क्योंकि इस पे बेस्ड ये आंसर निकलता है, इस पे बेस्ड ये आंसर है, इसके बेस्ड ये आंसर है। तो जब हम बोलते हैं मैम 14 मार्क्स का क्वेश्चन करके कम से कम आधे नंबर, 8, 7, 8 तो दे देगा, 14 नंबर में से 7 तो दे देगा, नहीं देगा, शायद 2 or 3 मार्क्स ही आ रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये डिवाइडेड है क्वेश्चन स्टेप्स में। अगर मैं ये मानूं कि ये सपोज कर लेते हैं फॉर एन एग्जांपल ये 8 मार्क्स का क्वेश्चन होता, फॉर एन एग्जांपल, तो 2-2 मार्क्स में ये बढ़ चुका है, एंड 2-2 मार्क्स के लिए भाई स्टेप वाइज मार्किंग नहीं होती। लेकिन अभी आगे एक क्वेश्चन आपको मैं बताऊंगी, उस क्वेश्चन में पता है क्या लिखा है, वो क्वेश्चन में क्लियरली लिखा है कि आपको ये स्टेप वाइज कुछ कैलकुलेशन जो बोल रहे हैं ना, ये स्टेप वाइज कैलकुलेशन करने का नहीं बोला। आगे क्वेश्चन में वो डायरेक्टली पता है क्या पूछेगा, आप ये बताओ कैश लेजर से मुझे कितना पे करना है। उसका डायरेक्टली क्या होगा कि मुझे कैश लेजर से कितना पेमेंट करना है, वो जब आएगा मैं बता दूंगी। तो अगर ये नहीं दिया, डायरेक्ट क्वेश्चन ये है कि बताओ कि GST लाइबिलिटी कैश लेजर से कितनी पे होगी। भाई वो निकालने के लिए भी तुमको ITC कैलकुलेट करना,
वो निकालने के लिए भी कॉमन क्रेडिट कैलकुलेट करना है, वही निकालने के लिए, वो सारी चीजें निकालने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एग्जेम्प्ट अप्लाई कर, रिवर्सल भी करना पड़ेगा, मतलब सब तो कर रहे हो, बट वहां स्टेप वाइज मार्किंग मिलेगी क्योंकि वो एक ही क्वेश्चन 8 नंबर का हो गया है, वो ऐसे सब डिवाइडेड नहीं है, ये चीज का ध्यान रखना। तो अब आते हैं, मैंने ये समझाया कि आप फॉर्मेट क्वेश्चन का देखो स्टेप वाइज मार्किंग है या नहीं, अगर स्टेप वाइज मार्किंग दिख रहा है कि इसमें नहीं होगी तो उसे तब सॉल्व करना जब लास्ट का टाइम बचे, आप श्योर हो तो बिल्कुल सॉल्व करो, बट अगर श्योर नहीं हो तो आप 14 नंबर का टाइम भी लगा रहे हो, और हो सकता है आपको कुछ मार्क्स 2-3 नंबर ही आए, हो सकता है इससे ज्यादा, तो कहीं और आप क्या कर जाओ, ढंग से सॉल्व करके निकाल लोगे मार्क्स। ठीक है, चलो अब मैम यहाँ क्या बोला है, अब देखो क्रेडिट किन किन चीजों का मिलता है, भाई क्रेडिट टैक्सेबल चीजों का मिलता है, जी हाँ मैम, जो टैक्सेबल नेचर है बिजनेस पर्पज के लिए यूज होंगे। तो अब मुझे यहाँ पे इन्होंने ना टर्नओवर क्यों दिया है, मुझे टर्नओवर क्यों दिया है, क्यों, देखो अभी मुझे आगे चल के ना टर्नओवर की जरूरत पड़ेगी। अब यहाँ पे ये कुछ और चीजें बोलते हैं कि एक्स वाई जेड ने कुछ और डिटेल दी है, वो सबसे पहले बोलता है इन्होंने एक मशीन यू है जो परचेस की 1 अक्टूबर को ही, अरे 1 अक्टूबर को ही एक मशीन परचेस की, मतलब कैपिटल गुड्स परचेस किया जिसको वो तीनों प्रोडक्ट के लिए यूज करेंगे, मतलब एग्जेम्प्ट एज वेल एज टैक्सेबल सप्लाई दोनों के लिए यूज होगा, अल्फा बीटा गामा। तो मैम क्या यहाँ पे जो जीएसटी पे करके आए हैं क्या वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा आज के आज 1 अक्टूबर को? बिल्कुल जाएगा मैम। फिर मशीन भी खरीदी, ये भी 1 अक्टूबर को खरीदी, बट अल्फा एंड गामा के लिए, अल्फा टैक्सेबल है 1 अक्टूबर को खरीदी, गामा हो चुका है टैक्सेबल, तो यस मैम ये 18,000 भी मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाएगा। मैम हमने W खरीदी 1 अक्टूबर को खरीदी, बीटा के लिए खरीदी, बीटा एग्जेम्प्ट हो चुका है मैम, ये मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जीएसटी नहीं जाएगा, बिकॉज इंटेंशन फॉर द परचेस ऑफ द मशीन इज इट वुड बी यूज फॉर एग्जेम्प्ट सप्लाई। मैम फिर एक वाई करके मशीन है जो हमने आज से 1 अक्टूबर से 4 ईयर्स पहले खरीदी थी, अब 4 ईयर्स पहले हमारा ये था कि हम एक्सक्लूसिवली उसको बीटा के लिए यूज करेंगे, और बीटा था हमारा टैक्सेबल, पहले पहले बीटा टैक्सेबल था, अब 1 अक्टूबर को चेंज आया और वो बोल रहा है कि अब ये मशीन किसके लिए भी यूज होगी, ये नहीं बोल रहा बीटा के लिए यूज नहीं होगी, वो बोल रहे अब ये मशीन बीटा के साथ साथ गामा के लिए भी यूज होगी और गामा अब टैक्सेबल हो गया। तो मैम इसका मतलब अब ये टैक्सेबल एज वेल एज एग्जेम्प्ट दोनों के लिए यूज होगी? हाँ जी। तो मैम पहले जब ये बीटा के लिए आई थी तो मैम बीटा उस वक्त टैक्सेबल था, अब बीटा उस वक्त टैक्सेबल था इसका मतलब उसी वक्त क्या हुआ होगा मैम, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में 72,000 तभी चला गया होगा। बिल्कुल। तो इसका मतलब मैम आज भी ये भी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आज तो नहीं आएगा क्योंकि पहले ही जा चुका है, बीटा तब टैक्सेबल था मैम। लेकिन एक जेड मशीन खरीदी 2 साल पहले खरीदी है, तीनों के तीनों प्रोडक्ट के लिए खरीदी थी, ये भी मैम पहले ही चला गया होगा क्योंकि तब भी कॉमन थिंग के लिए खरीदी गई थी, दैट मीन्स आईपीसी इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में पहले ही चला गया। और मैम फिर रॉ मटेरियल खरीदे इस डेट को, मतलब नोटिफिकेशन के बाद खरीदे, अल्फा टैक्सेबल है गामा टैक्सेबल है इसका तो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाना बनता है, लेकिन बीटा एग्जेम्प्ट है ये इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। और मेरा पहला वाला यही तो क्वेश्चन था कि बताओ इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में अक्टूबर मंथ में कितना जाएगा, तो देखो जो हमने किया है ये वही डिस्कशन है, यहाँ पे यू भी जाएगा वी भी जाएगा, लेकिन डब्ल्यू वाई ये वाली चीजों का तो ऑलरेडी उसी वक्त जा चुका है, इसमें से बीटा हमारे लिए एग्जेम्प्ट हो गया तो बीटा का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं आया, तो अब टोटल अमाउंट मेरा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में है 99,000। फिर बोलते हैं कि मैम अब कॉमन क्रेडिट बताइए, अब भाई तुम बताओ मुझे कॉमन क्रेडिट क्या है, ऐसी मशीन जो दोनों चीजों के लिए यूज होती है वही तो है मेरा कॉमन क्रेडिट। तो वापिस आती हूँ मैम, मेरी कौन सी मशीन है जो दोनों चीजों के लिए क्या होगी, यूटिलाइज होगी? तो ये मैम तीनों के तीनों प्रोडक्ट के लिए यूज हो रहा था, ये मेरा मैम अल्फा एंड गामा के लिए यूज हो रहा है, अल्फा एंड गामा दोनों मैम टैक्सेबल है, तो यहाँ कॉमन क्रेडिट यहाँ नहीं, कॉमन क्रेडिट मैम यू में दिखाई देता है, कॉमन क्रेडिट जो है मेरा कॉमन क्रेडिट कहाँ दिखाई देता है मुझे, वाई में भी दिखाई देता है क्योंकि वाई भी अब गामा के लिए भी यूज होगा बीटा के लिए भी, और जेड में भी दिखाई देता है क्योंकि ये भी तीनों प्रोडक्ट्स के लिए यूज होता था।
अब मुझे ये देखना है कि मैम मेरा कॉमन क्रेडिट क्या है। तो इन्होंने मशीन यू लिया, जेड लिया और वाई लिया, ये वही तीनों मशीन है जो दोनों टैक्सेबल एग्जम दोनों सप्लाईज के लिए यूज होती है। तो मैम इनका आईटीसी कितना है? पहला देखो इधर 36, फिर मैम जेड वाले का और इसका वाई का भी देख लेते, तो जेड का कितना है, जेड 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 का 54 और वाई का हम गया वाई का 72। तो इतना मैम हमारे पास कॉमन क्रेडिट के नाम से है, 1,62,000 मेरा कॉमन क्रेडिट है। अब लेकिन मैम इस कॉमन में से एग्जेम्प्ट वाले नेचर का कितना है? तो यस, ये कॉमन में से एग्जेम्प्ट का कितना है? तो मैम ऐसे निकाल सकते हैं, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो मेरा टोटल आईटीसी इतना, तो एग्जेम्प्ट टर्नओवर पे मेरा आईटीसी कितना होगा जिसको मुझे रिवर्स करना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हैं। अब मेरा एक बार टोटल टर्नओवर मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल टर्नओवर कितना है, और यहीं से मुझे पता चल जाएगा बीटा जो अभी एग्जेम्प्ट है उसका टर्नओवर कितना है। तो मुझे टोटल टर्नओवर इन तीनों का टोटल करके पता चलेगा और मुझे एग्जेम्प्ट टर्नओवर भी पता चल जाएगा। अब बोलते देखो अभी आपके पास जो कॉमन क्रेडिट है वो है मैम 1,62,000। पहले तो इसको मंथ में कन्वर्ट कर लो। क्यों मैम मंथ में कन्वर्ट करना है? क्योंकि मैम एक साथ नहीं मिलता कैपिटल गुड्स का क्रेडिट, वो हमें मिलेगा कैसे, डिवाइड बाय 60 मंथ्स में। तो जब वो 60 मंथ में मिल रहा है तो ये हो गया मेरा पर मंथ का कॉमन क्रेडिट, कॉमन क्रेडिट फॉर पर मंथ। अब इसको हम कर लेते ना मैम, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना है तो मेरे पास कॉमन क्रेडिट इतना, तो मैम मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर जब इतना है तो मेरे पास कॉमन क्रेडिट कितना, यही आपका फॉर्मूला बन जाएगा और आपको पता चलेगा इतने का होना चाहिए रिवर्सल। अब मैम ये रिवर्सल कहाँ करेंगे? ये रिवर्सल का मतलब ये है आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जो है, ये आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में इतना अमाउंट ऐड कर देंगे। इसका मतलब ये है आपको इतना आईटीसी नहीं मिल रहा, उतना आपको उल्टा भरना पड़ रहा है गवर्नमेंट को। तो ये हो गया कि आपका रिवर्सल। फिर बोलते हैं बताओ कैश लेजर से हमको कितना पे करना, हमें कैश लेजर से कितना पे करना है? तो कैश लेजर से पे करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कि सबसे पहले आपकी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है। तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करोगे, कितना सेल किया है, टर्नओवर आपको दिया हुआ है। अब टर्नओवर तो मैम हमको दिया है, लेकिन ये बताओ इस टर्नओवर पे परसेंटेज कितना लगेगा? तो उन्होंने बोला है सब कुछ इंटरस्टेट सप्लाई है, 18% से जीएसटी अप्लाई करो। तो अल्फा पे तो अप्लाई करोगे लेकिन बीटा एग्जेम्प्ट है, उस पर कोई लाइबिलिटी नहीं है। यहाँ पे भी अप्लाई करोगे क्योंकि ये क्या है, एग्जेम्प्ट नहीं है। गामा ये हो गई आपकी टोटल लाइबिलिटी प्लस जो आपने रिवर्सल किया है वो भी ऐड किया। अब आईटीसी कितना था मेरे पास, देखो यहाँ पे मैंने कैलकुलेट किया, मेरे पास आईटीसी अवेलेबल है 99,000। अब 99,000 का आईटीसी अगर मैं इसमें से माइनस करूंगी तो मुझे कैश लेजर से इतना पेमेंट करना पड़ेगा। अब स्टेप समझो, जब भी आईटीसी का क्वेश्चन कैलकुलेट करोगे सबसे पहले कोशिश करो ये निकाल लो कि तुम्हारी आउटपुट लाइबिलिटी कितनी है। ठीक है, आउटपुट लाइबिलिटी में मैम क्या क्या आता है? एक तो फॉरवर्ड चार्ज में जो आपको पे करना पड़ रहा है वो आपकी आउटपुट लाइबिलिटी में आता है। एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में जो आपने परचेस किया है, अरे भाई आपने कुछ परचेस किया और आप रिसिपिएंट है, वो भी तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में आएगा। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आपके परचेस, यू आर द रिसिपिएंट, वो भी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, और आपका रिवर्सल भी आएगा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में, रिवर्सल जो एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिस्पेक्ट में हुआ है। तो ये टोटल मिलके आपको बना के देंगे क्या, आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी का अमाउंट। फिर आता है मैम अब हमको आईटीसी कैलकुलेशन करना है, तो आईटीसी में क्या आएगा, तो जो आपने पे किया है वो आएगा आपका आईटीसी में, मतलब जो आप पे करके आए उसका तो क्रेडिट आप ले ही पाओगे। लेकिन ये क्रेडिट लेते वक्त देख लेना कहीं ये 17 सबसेक्शन 5 में तो नहीं है, कहीं ये एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिस्पेक्ट में तो नहीं था टैक्स, कहीं ये नॉन बिजनेस पर्पस के लिए तो नहीं था। और अगर आपकी कोई भी लाइबिलिटी ऐसी है जो बिकॉज यू आर एलिजिबल टू पे बिकॉज यू आर द रिसिपिएंट, क्योंकि आपने कुछ परचेस किया और आप रिसिपिएंट हो और आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में उसे क्या कर रहे हो, पे कर रहे हो, तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी के लिए यू कैन नेवर 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 यूटिलाइज योर आईटीसी।
रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मुझे कुछ पे करना है, भले ही मेरे पास आईटीसी अवेलेबल होगा, मैं यूज नहीं करूंगी, क्योंकि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की हमेशा जो लाइबिलिटी होती है वो कैश लेजर से ही पे होती है। ठीक है, तो मैम आईटीसी में क्या क्या आएगा? जो आपने पे किया, वट एवर यू हैव पेड, बट ध्यान रखना 17(5) नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्ट नहीं होना चाहिए, नॉन बिजनेस पर्पस भी नहीं होना चाहिए। देन आईटीसी में और क्या आएगा जो हम क्लेम कर सकते हैं? जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में मैंने टैक्स पे किया था उसका आईटीसी में अवेल कर सकती हूँ। टैक्स पे किया था कैश में, उसका आईटीसी में क्या कर सकती हूँ? अवेल कर सकती हूँ। इसके अलावा कुछ नहीं, ये दो चीजें ही आपकी यहाँ पे क्या करेंगी, आएंगी। कुछ आगे कॉन्सेप्ट टीसीएस टीडीएस के आएंगे, उसको अभी रुकते हैं, जहां जो जैसा आएगा वहां पे हम उसको क्या करते जाएंगे, समझते जाएंगे। तो मैम हमें क्या करना है, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में से आईटीसी जितना अवेलेबल है उसको माइनस करना है और मुझे पता चल जाएगा कैश लेजर से पेमेंट कितना होगा। तो स्टेप नंबर वन आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट करो, स्टेप नंबर टू आपका आईटीसी कैलकुलेट करो, स्टेप नंबर थ्री आपको कैश लेजर का पेमेंट मिल जाएगा। जब आईटीसी यूटिलाइज करोगे तो सेक्शन 49 लगाना मत भूलना, मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। ओके, यहां कंप्लीट होता है मेरा रूल नंबर 42 का क्वेश्चन। अब आते हैं रूल नंबर 43 के क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 18 किसके ऊपर है? ये जो मेरा क्वेश्चन नंबर 18 है, ये है मेरा रूल नंबर 43 के ऊपर। अब मैम ये रूल नंबर 43 क्या है? ये है हमारा, जब आप क्या करते हो, मेरे से शायद ना एक मिस्टेक हो गई है। रूल 43 कैपिटल गुड्स के लिए होता है, 42 इनपुट के लिए। मैंने इंटरचेंज कर दिया रूल नंबर, वो याद रखना। रूल 42 कब लगता है? जब आप इनपुट के लिए आईटीसी कैलकुलेशन करो, और 43 लगता है कैपिटल गुड्स के लिए। तो अब जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं रूल नंबर 42, इनपुट के रिस्पेक्ट में क्रेडिट कैसे कैलकुलेट हो। इनपुट के रिस्पेक्ट में मैं आपको क्रेडिट कैलकुलेशन बताऊं, उससे पहले आ जाओ यहाँ पे, ये क्या है, मैंने यहाँ पे इसको रख रखा। इनपुट के रिस्पेक्ट में क्रेडिट कैलकुलेशन में क्या होता है, देखो आप जितना भी इनपुट या इनपुट सर्विस लेके आए हैं, जितना इनपुट सर्विस लेके आए हैं, यहाँ पे बोला जाता है सब कुछ क्या कर लो, बस आप सब टोटल कर दो, कुछ मत सोचो, आंख बंद करो, कुछ मत सोचो, बस जितना भी आप जहां जहां टैक्स पे कर करके आए हो, सबका टोटल यहाँ लिख दो। तो टोटल इनपुट टैक्स इन्वॉल्व ऑन इनपुट और इनपुट सर्विस, आपके इनपुट और इनपुट सर्विस पे जितना टैक्स इन्वॉल्व है ना, सब लिख दो, बस जो जो तुम पे करके आए हो सब लिख दो। फिर अब हम बोलेंगे तुम्हें, तुम सुनो, अब सुकून शांति से सोचो, तुमने तो अपना टोटल लिख लिया, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं ब्लॉक्ड क्रेडिट का तो तुम्हें किसी सूरत में आईटीसी नहीं मिलना। तो एक काम करो ना, ब्लॉक्ड क्रेडिट का आईटीसी इसमें से माइनस कर दो। तुम ही सोचो ना, नॉन बिजनेस पर्पस के लिए जो चीजें तुम लेके आए हो, किसी सूरत में हम उसका आईटीसी नहीं देंगे। तो नॉन बिजनेस पर्पस वाली, एक्सक्लूसिवली यू हैव परचेस समथिंग फ्रॉम नॉन बिजनेस पर्पस, उसको भी रिमूव कर दो। और इसी तरह से एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए भी अगर तुमने कुछ खरीदा है तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलना। तो जिन चीजों का कंफर्म आईटीसी मिलना ही नहीं है, इसमें से उसे माइनस करो। तो सबसे पहले माइनस करो नॉन बिजनेस पर्पस, फिर माइनस करोगे आप किस चीज को, एग्जेम्प्ट सप्लाई को, फिर माइनस करोगे जो क्रेडिट आपके क्या है, ब्लॉक। इससे आपको मिलेगा कि एक्चुअल में तुमने तो बोला इतना 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 मेरे पास आईटीसी होना चाहिए, बोलेंगे नहीं इसको हटाओ इसको हटाओ इसको हटाओ, अब हम बोल रहे इतना तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में ये रिफ्लेक्ट हो। तुम तो भरते आ रहे थे, तुमने सोचा ये नहीं, ये तीन चीजें हटा दो, ये चला गया तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में। ठीक है मैम, अब चला तो गया, इसमें से भी कुछ माइनस करो। अब क्या माइनस करना है, हम चाहते हैं अब तुम इससे लेके आओ कॉमन क्रेडिट। तो कॉमन क्रेडिट अगर तुम्हें इससे लेके आना, इसका मतलब वो क्रेडिट हटा दो जो कॉमन है ही नहीं। सही है, टोटल में से अगर मैं अनकॉमन हटा दूंगी तो कॉमन बचेगा, ये बात तो हमको क्यों समझ नहीं आई। अगर मैम मैं टोटल में से अनकॉमन को रिमूव करूंगी तो मैम कॉमन ही बचेगा, और अनकॉमन क्या है, जो एक आपको टैक्सेबल सप्लाई के लिए आप ले रहे हो। एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए अगर आपने एक्सक्लूसिवली क्या किया है, टैक्सेबल सप्लाई के लिए किसी इनपुट या इनपुट सर्विस को लिया है, एंड टैक्सेबल सप्लाई इंक्लूड जीरो रेटेड सप्लाई। टैक्सेबल सप्लाई में क्या इंक्लूड होता है आपका, जीरो रेटेड सप्लाई।
तो एक्सक्लूसिवली भाई टैक्सेबल वालों का था, ITC तुमको मिल जाएगा, चिंता किस बात की। तो वो अनकॉमन यहाँ से रिमूव कर दो, हमको मिल जाएगा कॉमन क्रेडिट। तो इस तरफ से वर्किंग होके हम पहुंचेंगे किसके ऊपर, कॉमन क्रेडिट के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन सिंपल है, बहुत ईजी है। और क्वेश्चन ये कहता है कि भाई ये ऑल इन वन स्टोर है, ये ऑल इन वन स्टोर के बहुत सारे ऐसे स्टोर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, ठीक है। इनके पास एग्जेम्प्ट टैक्सेबल गुड्स दोनों हैं। ये जो ऑल इन वन है, ये बोलते हैं कि इसने रेगुलर स्कीम लिया, मतलब ये कंपोजिशन स्कीम वाला पर्सन नहीं है। अच्छी बात, कंपोजिशन वाला नहीं, तो हमें भी अच्छा लगा ये जान के। अब क्या बोलते हैं, मुंबई में द स्टोर ऑपरेट्स इन रेंटेड कॉम्प्लेक्स। इनका मुंबई में स्टोर है, रेंटेड कॉम्प्लेक्स है, जिसका एक पार्ट ओनर यूज करता है किस चीज के लिए, पर्सनल पर्पस के लिए। तो रेंट पे ली है चीज, मतलब सर्विसेज ली है इनने, रेंट पे कुछ लिया है मतलब सर्विस लिए, और वो जो सर्विस है थोड़ा बिजनेस पर्पस और थोड़ा नॉन बिजनेस पर्पस के लिए यूज होती है। अब यहाँ पे एक मंथ का, फॉर अ मंथ, एक मंथ के लिए कुछ कुछ दिया है। अब याद रखना, मेरे पहले वाले क्वेश्चन में उन्होंने अक्टूबर मंथ की बात की थी, तो पता है अक्टूबर मंथ के पहले कोई परचेस हुआ हो या अक्टूबर मंथ के बाद कोई सेल हुआ हो, उसका इम्पैक्ट नहीं जाता, क्योंकि मैं सिर्फ अक्टूबर मंथ की चीजें ही कैलकुलेट कर रही हूँ यहाँ पे। चलो, तो बोलते हैं कि फॉर अ मंथ, एक मंथ की कुछ डिटेल्स दिए, बोलते देखो हम बता रहे टैक्सेबल आइटम का जो टर्नओवर है वो इतना है, एग्जेम्प्ट आइटम का टर्नओवर इतना है, और ऐसे आइटम जिसपे GST ही नहीं लगता, जिसपे GST नहीं लगता वो 3 लाख। मैम ये क्यों दिया, तुम बताओ ये क्यों दिया, क्योंकि तुमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है एग्रीगेट टर्नओवर। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल, एग्जेम, नॉन टैक्सेबल सब कुछ इंक्लूड होता है, तो इससे तो मुझे समझ में आ जाएगा मेरा एग्रीगेट टर्नओवर कितना है। आगे ये क्या बोलते हैं, आगे बोलते हैं मुंबई का स्टोर जो है वो ट्रांसफर करता है अनदर ऑल इन वन स्टोर लोकेटेड इन गोवा। मुंबई का स्टोर गोवा के स्टोर को क्या करता है, टैक्सेबल आइटम ट्रांसफर करता है एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल की तरह वो गोवा वाले को क्या कर रहा है, कुछ ना कुछ सामान बेच रहा है। आगे क्या बोला है यहाँ पे, द वैल्यू डिक्लेयर्ड इन इनवॉइस, इसने जो इनवॉइस में वैल्यू डिक्लेयर की 5 लाख रुपीज डिक्लेयर किए, एंड सच आइटम आर सोल्ड इन मुंबई स्टोर एट 8 लाख। तो मुंबई वाला गोवा वाले को अगर गुड्स भेज रहा है फ्री सैंपल की तरह, मैम इसका क्या होगा, इस पे क्या हम GST लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, ये सोचते हैं। तो सबसे पहले अब वो बोल रहा है कि हमने क्या किया, मुंबई वालों को भेजा सामान, ठीक है, हमने क्या किया, मुंबई वालों ने गोवा वालों को क्या दिया है, सामान दिया। अब मेरे को एक चीज बताओ, क्या मैं इसे यहाँ पे डिस्टिंक्ट पर्सन का रूल लगा सकती हूँ, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ मैं बोलूँ कि ये डिस्टिंक्ट पर्सन को सप्लाई किया गया है। इसको मैं एक काम करती हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन बता देती हूँ, बीच बीच में से टाइम लग जाएगा हमको करने में, पहले पूरा क्वेश्चन ही पढ़ लेते हैं। कहाँ गया, हाँ, तो एक मुंबई वाला हमें समझ में आया। और क्या दिया है आगे, बोलता है एग्रीगेट वैल्यू ऑफ वेरियस आइटम प्रोक्योर्ड फॉर बीइंग सोल्ड इन स्टोर। कुछ कुछ चीजें हमने परचेस किए, भाई परचेस किया है तो ये आएगा आपका ITC में। आपने टैक्सेबल आइटम परचेस की 55 लाख के, एग्जेम्प्ट आइटम परचेस की 1 लाख के, और जिन पे GST नहीं लगता 5 लाख के। टैक्सेबल आइटम पे जो GST पे करके आओगे ITC मिलेगा, एग्जेम्प्ट वाले पे आपने GST पे नहीं किया तो ITC नहीं मिलेगा, और इस पे भी GST पे नहीं किया तो ITC की तो बात ही नहीं आती। फिर बोलते हैं फ्रेट पेड टू गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी GTA को इन्होंने कुछ फ्रेट पे किया है, कितना, 1 लाख रुपीज का। अरे भाई GTA को फ्रेट पे किया, ये रिसिपियंट है, रजिस्टर्ड रिसिपियंट ने GTA को पे किया है फ्रेट, मुझे देखना पड़ेगा यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तो नहीं आ जाएगा। फिर GTA को फ्रेट पे किया एग्जेम्प्ट आइटम के लिए, GTA को फ्रेट पे किया नॉन टैक्सेबल आइटम के लिए भी। इसका मतलब ये है कि ये GTA की मैं इनपुट सर्विस ले रही हूँ, ये इनपुट सर्विस एग्जेम्प्ट आइटम के लिए भी है, नॉन टैक्सेबल आइटम के लिए भी है, टैक्सेबल आइटम के लिए भी है। तो इस GTA की सर्विस पे जो मैं टैक्स पे करूंगी, मुझे ITC मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा मैम, लेकिन इस पे ही मिलेगा, इन दोनों पे आप ITC नहीं ले पाओगे, जबकि टैक्स पे तो करना पड़ेगा। अब ये रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे करना पड़ेगा या फॉरवर्ड में, देखते हैं आगे, पता तो चले कि GTA ने 5% लिया है, 12% लिया है, या 5% लेके डिक्लेरेशन दिया, देखते हैं आगे। मंथली रेंट पेबल फॉर कॉम्प्लेक्स,
कॉम्प्लेक्स जो हम बताया था ना, इसने रेंट पे कॉम्प्लेक्स लिया है, तो मंथली रेंट ये इतना पे करते हैं जिसमें से 1/3 स्पेस अवेलेबल है उनके पास पर्सनल पर्पस के लिए। तो भाई पर्सनल पर्पस के लिए जो आप जीएसटी वगैरह पे कर रहे हो ना भाई, उसका तो आपका ITC मिलने से रहा। पैकिंग द आइटम एंड पुटिंग द लेबल ऑन स्टोर अलॉन्ग विद द सेल्स प्राइस हैव बीन आउटसोर्स। इन्होंने जॉब वर्क पे दिया है कुछ, तो बोलते कि पैकिंग वैकिंग का काम इन्होंने जॉब वर्क के दिया है, और उसके लिए वो 2,50,000 पे करते हैं। सैलरी स्टाफ को पे करते हैं। जीएसटी पेड ऑन इनपुट यूज फॉर पर्सनल पर्पस, पर्सनल पर्पस के लिए कुछ इनपुट यूज किए जिस पे जीएसटी उन्होंने इतना पे किया। जीएसटी कैब सर्विस के लिए जो उन्होंने पे किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय, और इसमें कोई लॉ का ऑब्लिगेशन भी नहीं है। 17(5) क्या कहता है? अगर आप एम्प्लॉय की बेनिफिट के लिए काम कर रहे हो और वो लॉ ऑब्लिगेशन देता है तो ITC देंगे, वो ब्लॉक तो नहीं करेंगे, पर जहां लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं भी तुमको ITC नहीं मिलेगा। आगे बोलते हैं जीएसटी पेड ऑन इनपुट गिवन एज फ्री सैंपल। जीएसटी पे कर रहे हैं ऑन द इनपुट दैट इज गिवन एज व्हाट? फ्री सैंपल। फ्री सैंपल की तरह हम कुछ इनपुट दे रहे हैं, उसका क्या? उस पर भी जीएसटी पे किया, तो हम फ्री सैंपल का जीएसटी 17(5) में कहीं ऐसा तो नहीं कि ये भी ब्लॉक्ड है? अब देखते हैं, मुझे तो नहीं पता क्या है क्या नहीं। बोलते देखो मैम फिर से बताओ, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर कॉमन क्रेडिट एग्जेम्प्ट का कितना है, फिर वही कॉमन क्रेडिट ITC के लिए कितना एलिजिबल है, और मुझे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में कितना पे करना पड़ेगा इस मंथ के लिए, जबकि मेरे पास ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं। क्वेश्चन तो इजी है, लेकिन यह बोला है GTA ने एक्सरसाइज नहीं किया कि वो टैक्स पे करेगा, मतलब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा, और बाकी सारे केस में जो GST है 18% है, CGST IGST सब इग्नोर करके चले। सारे सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन से हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे बात आती है मेरी किसके ऊपर, रूल नंबर 42। ये इकलौता क्वेश्चन है, मैं बता रही हूँ रूल नंबर 42 के लिए। बोलते देखो पहले तो आपने जितना जितना जो जो प्रोक्योर किया ना, बस धड़ाधड़ लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, हमको ITC चाहिए। देखो यहाँ कहीं पर भी कैपिटल गुड्स नहीं, यहाँ या तो आप इनपुट ले रहे हो या इनपुट सर्विस ले रहे हो। GT इज इनपुट सर्विस, या तो आप इनपुट खरीद रहे हो या इनपुट सर्विस। बोलते जितना आपने प्रोक्योर किया ना, सब कुछ लेते जाओ लेते जाओ। तो देखो इसने बोला सबसे पहले, देखो मैम हम खरीद के लाए 55 लाख के टैक्सेबल आइटम, एग्जेम्प्ट आइटम एंड नॉन टैक्सेबल आइटम। तो मेरे TE कैलकुलेट करने के लिए मैं जहां जहां टैक्स पे करके आई, मैं अभी सब वही टोटल कर रही हूँ। तो मैम टैक्सेबल आइटम में तो मैंने 18% टैक्स पे किया, बाकी इन दोनों में टैक्स इसलिए पे नहीं किया क्योंकि एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल थे। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ये क्यों आ गया? मैंने बोला था ना, देखो GTA से सर्विस ले रहे हो और एक रजिस्टर्ड पर्सन GTA से सर्विस ले रहा है, मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, क्योंकि लास्ट में इन्होंने दिया है कि इसने खुद ने ऑप्शन चूज नहीं किया कि ये टैक्स पे करेगा। मैम पक्का है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है? बिल्कुल है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। तो इन्होंने टैक्स कितना पे किया? अभी तो बोल रहे जितना टैक्स पे किया सब कुछ ले लो, यहाँ दिमाग मत लगाओ किसका ITC मिलेगा कितना नहीं। यहाँ से बोल रहे जहां जहां टैक्स पे किया वो देख लो तुम टोटल कि तुम कितना पे करके। मैम मंथली रेंट पे किए, पैकिंग चार्जेस हैं, पैकिंग चार्जेस हमने पे किए, तो मंथली रेंट हो गया, पैकिंग चार्जेस हो गए, सैलरी, ये दोनों पे भी हमने GST पे किया, ये भी ले लिया। मैम मंथली रेंट पे किया, पैकिंग चार्जेस पे किए, मंथली रेंट और पैकिंग चार्जेस जो हमने दिए, इसका तो आगे मुझे ITC भी मिल सकता है, लेकिन ये ITC कितना मिलेगा वो याद है? 1/3 इज यूज फॉर योर रेसिडेंशियल पर्पस। फिर आगे आते हैं मैम, हमने सैलरी दी है स्टाफ को, स्टाफ को सैलरी देना Schedule 3 में आते हैं, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज पे आपका जब GST ही नहीं लगा होगा तो यहाँ पे ITC की बात ही नहीं आती। मैम हमने GST पे किया है इनपुट पे, हमने GST पे किया है कैब सर्विस के लिए, मतलब अभी तो सिंपल मैं बोल रही हूँ ना, जहां जहां तुमने GST पे किया आंख बंद करके बस देखो कि कितना तुमने इनपुट टैक्स पे किया। अब Step 2 चालू होती है, क्या ब्लॉक्ड है? Step 2 स्टार्ट होती है कहाँ? एक्सक्लूसिवली एग्जेम्प्ट सप्लाई है। Step 2 स्टार्ट होती है कि कहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली आप नॉन बिजनेस पर्पज के लिए चीजें यूज कर रहे थे उन सबको हम हटा देंगे। तो यहाँ पे हमने वही चीज स्टार्ट की, देखो हमने कहा था रेंट, रेंट पे जो आप ले रहे हो 1/3 इज यूज फॉर योर पर्सनल पर्पस, तो 1/3 का ITC भूल जाओ यार, पर्सनल पर्पस के लिए ITC नहीं मिलेगा। मैम हमने जो पर्सनल पर्पस के लिए इनपुट लिए उसका ITC भी नहीं मिलेगा। मैम नॉन बिजनेस पर्पस का इसका मतलब हो गया 38,000,
इन दोनों को टोटल किया, नॉन बिजनेस पर्पज 38,000। मैम रिवर्स चार्ज में हमने जीएसटी पे किया जीटीए को, जो तुमने एग्जेम्प्ट के लिए पे किया, जो तुमने नॉन टैक्सेबल पे के लिए पे किया, भाई उसका भी तो तुमको कुछ आईटीसी मिलना ही नहीं है, तो जब उसका भी आईटीसी नहीं मिलना ये भी हटा दो। तो इसका मतलब T1 कैलकुलेट हुआ नॉन बिजनेस पर्पज का, T2 कैलकुलेट हुआ तुम्हारे एग्जेम्प्ट सप्लाई का। फिर याद है मैम, क्या याद है, ब्लॉक्ड कौन कौन से, फ्री सैंपल ब्लॉक्ड है। अगर आप क्या दे रहे हो, सर्विसेज दे रहे हो एम्प्लॉय को और वो लॉ का ऑब्लिगेशन नहीं है, तो वो सारी चीजें भी यहाँ पे क्या है, ब्लॉक्ड है। तो देखो हमने कैब सर्विसेज दी एम्प्लॉय को, जबकि वो क्या है, कोई लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, ये भी ब्लॉक्ड है, ये भी ब्लॉक्ड है, तो ब्लॉक्ड वाले भी माइनस करो। तो क्या मैंने यहाँ से बहुत खूबसूरती से T1, T2 और T3 नहीं कैलकुलेट कर लिया। अब वो कैलकुलेशन करने के बाद मुझे क्या करना है, जो टी है, टी में से इन तीनों के टोटल को माइनस करना है। तो ये हो गया मेरे पास, ये जाएगा मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में आईटीसी। अब इतना तो जाएगा, अब इसमें से एक्सक्लूसिव मैम टैक्सेबल के लिए आपको क्या मिलना है, आप वो माइनस कर लो। इसमें से आप मैम वो माइनस कर लो जो आपका कॉमन क्रेडिट का है, तो अब उस पर जाते हैं। तो मैम कॉमन क्रेडिट जाने के लिए मुझे सबसे पहले जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल वाली चीजें हैं, जो एक्सक्लूसिवली टैक्सेबल सप्लाई के लिए आपने किया था, आपको आंख बंद करके आईटीसी दे देंगे। तो टैक्सेबल आइटम और जीटीए इनवर्ट सप्लाई जो मैंने लिया था फॉर द पर्पस ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट, ये तो मुझे मैम कंफर्म मिलेगा इसका आईटीसी। अब वो माइनस किया तो फाइनली मेरे पास कॉमन क्रेडिट है। अब ये कॉमन क्रेडिट, जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा कॉमन क्रेडिट इतना, तो मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर इतना तो कॉमन क्रेडिट कितना, उसका मैं कर पाऊंगी रिवर्सल। और गलती से भी यहाँ पे डिवाइड बाय 60 मत कर देना, कैपिटल गुड 60 मंथ में उसका आईटीसी मिलता है, इनपुट का आईटीसी नहीं मिलता। इनपुट का आईटीसी डिवाइड बाय 60 नहीं, उसका एक साथ मिल जाता है। तो मैम ये आ गया मेरा। अब इसका कैलकुलेशन हम कैसे देखेंगे, सेम जब टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा आईटीसी इतना, तो मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर इतना, तो आईटीसी कितना है जो मुझे रिवर्स करना है, तो इसमें तो इतने का रिवर्सल होगा। ये है जो किसके लिए है, मेरा एलिजिबल आईटीसी आउट ऑफ कॉमन क्रेडिट, ये रहा मेरा क्या एलिजिबल आईटीसी। अब मुझे ये समझ में आया कि मेरा एलिजिबल आईटीसी कितना है, तो एलिजिबल आईटीसी मेरा 85,385। अब मैम इतना ही बोला कि नहीं, इन्होंने बहुत सारी चीजें बोली। इसने बोला क्या क्या कैलकुलेट करना है, इसने बोला आप कैलकुलेट करके दो क्रेडिट लेजर, चलो वो तो मैंने निकाल लिया था इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में कितना जाएगा, कॉमन क्रेडिट भी हमने निकाल लिया, एग्जेम्प्ट वाला भी निकाल लिया, और एलिजिबल आईटीसी अभी वो जो माइनस करके देखा वो एलिजिबल आईटीसी। अब बताओ मैम कैश लेजर से कितना पे करना, इसके लिए चाहिए आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी आपकी कितनी। तो आप सेल्स देखो, सेल्स के ऊपर आप अपना टैक्स कैलकुलेशन करो। अब आपने जो जो सेल्स किया है उसके ऊपर आप क्या करोगे, आपका आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करोगे। तो जो जो सेल्स किया है आपने, टैक्सेबल आइटम जो जो क्या किए हैं, ये देखो गोवा वाले को भेजा आपने, स्टोर्स में सेल्स किया, ठीक है, ये हो गया आपका टोटल लाइबिलिटी, क्रेडिट लेजर में से माइनस किया। अब इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में मेरे पास पेमेंट इतना है, मुझे पे इतना करना था, है इतना, इसका मतलब अभी भी मेरे पास ओपनिंग बैलेंस बच जाएगा आईटीसी का नेक्स्ट मंथ के लिए। मुझे पे करने की इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से कोई जरूरत यहाँ पे तो नहीं पड़ी। लेकिन मैम जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है वो तो कैश में ही पे होता है, आपने बोला था कि जो भी आप लाइबिलिटी आपकी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की आएगी वो पक्का पक्का इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से ही पे होगी। तो मैम ये वाली पे तो सारी करनी है, और ये सब की सब मेरा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही क्या होगा, पे होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इन दिस वे, इसी तरह से आपको क्या करना है, कैलकुलेशन पूरा करना होगा विथ रिस्पेक्ट टू, ये जो अभी अपन ने डिस्कस किया ना, ये सारा वही कैलकुलेशन है कि आप जब ये अल्टरनेट कैलकुलेशन दिए, या तो ये करो या वो करो, तुम्हारे ऊपर। सबसे पहले आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी निकाल लो, आईटीसी निकाल लो, फिर तुम क्या करते जाओ, नेट ऑफ करके देखते जाओ कि कितना क्या है तुमको एलिजिबल है आईटीसी कितना है। जो मैंने शुरुआत में लिखा था ना कि आउटपुट में क्या क्या आ सकता है, देन तुम्हारे आईटीसी में क्या क्या चीजें आ सकती है, वो नोट अगर तुमने किया है आउटपुट में, जो तुम परचेस कर रहे हो एज ए रिसिपिएंट, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म तुम पे लग रहा है वो आएगा, फॉरवर्ड चार्ज में तुमको जो टैक्स पे करना है वो आएगा, और जो तुम्हारा रिवर्सल हुआ है, ये तीन चीजें आउटपुट में आती है। इनपुट में आएगा
जो तुम्हें इनपुट मिला, तुमने RCM में टैक्स पे किया, उसका तुमको मिल जाएगा। जो तुमने फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे किया टैक्सेबल नेचर वाली चीजों के लिए, बिजनेस पर्पज की चीजों के लिए, उसका ITC मिल जाएगा। ये दो चीजों का क्या मिल जाएगा? ITC। अंडरस्टूड? अब 19th यू हैव टू डू सेल्फ। इजी है इसलिए सेम चीज देखो बार बार, वही है, ठीक है। देन कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 लेने का क्या रीजन है? क्योंकि इसमें लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, एक्सपोर्ट, ये सारी चीजें भी देख के रखी, तो ये वैरायटी ऑफ क्वेश्चन भी हम करते हैं। नाउ दिस थर्ड वन इज अबाउट, दैट इज 20th वन इज अबाउट, ये भाई मिस्टर राजेश करके कोई है, ठीक है, इनकी कोई प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है इन द नेम ऑफ सुराना एंड सन इन जयपुर। भाई जयपुर में इनकी जो भी है शॉप वगैरह वो है, और ये रजिस्टर्ड है राजस्थान में, मतलब जयपुर राजस्थान में रजिस्टर्ड है। 3 टैक्सेबल प्रोडक्ट है इनके पास, MNO, एंड N इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज। N पे जो टैक्स पे होता है रिवर्स चार्ज में होता है, इसका मतलब ये बात समझो, N को जब ये सेल करेंगे तो ये टैक्स पे नहीं करेंगे, और जब ये टैक्स पे नहीं करेंगे तो N के ऊपर ITC भी ये क्लेम नहीं करेंगे, सामने वाला क्लेम कर रहा होगा। MNO का टर्नओवर हमें दिया है, जिसमें अभी एक्सपोर्ट टर्नओवर नहीं दिया गया है। फिर एक्सपोर्ट टर्नओवर M का दिया है हमें, जिसमें क्या बोला है कि आप GST पे करते हैं, GST पे करने के बाद आप क्या कर रहे हैं, इतना टर्नओवर कर रहे हैं। ओ को आपने सेल किया, लेटर ऑफ अंडरटेकिंग देखी, मतलब पेमेंट ऑफ टैक्स नहीं कर रहे हैं यहाँ पे आप। कंसल्टेशन सर्विस प्रोवाइड की जा रही है एक अनरिलेटेड क्लाइंट को जो फॉरेन कंट्री में लोकेटेड है, मैं सर्विसेज दे रही हूँ एक अनरिलेटेड क्लाइंट को जो फॉरेन कंट्री में है। सारे के सारे केस में कंसिडरेशन रिसीव हो चुका है, मतलब ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की डेफिनेशन है यहाँ पे, कि जब आप सर्विसेज एक्सपोर्ट करते हो कंसिडरेशन फॉरेन करेंसी में होना चाहिए, रेसिपिएंट कहाँ होना चाहिए, प्रोवाइडर कहाँ होना चाहिए, ये सारी कंडीशन अभी हम यहाँ पे देखेंगे। मैम जब हम सेल ऑफ बिल्डिंग करते हैं ना, तो सेल ऑफ बिल्डिंग तो मैम नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस होता है, शेड्यूल नंबर 3 में आपने हमें पढ़ाया था, बिल्कुल पढ़ाया था, लेकिन याद करो ITC में बोला था इसे एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में क्या करना, लेना या नहीं लेना, स्पेसिफिकली इसे एग्जेम सप्लाई की डेफिनेशन में आपको हटाना होगा। तो यहाँ पे जब आप सेल ऑफ बिल्डिंग करते हो तो बोला था इसकी वैल्यूएशन लोगे आप स्टैम्प ड्यूटी क्या पे करते हो उसके बेस पे। तो स्टैम्प ड्यूटी बोल रहा है कि हमने इतने की स्टैम्प ड्यूटी पे की है, जो जो भी वैल्यू थी उस वैल्यू का 2% थी। तो मैम मुझे नहीं पता क्या वैल्यू थी, उसका 2% थी और मेरी स्टैम्प ड्यूटी इतनी निकल गई, तो क्या मुझे वैल्यू पता चल जाएगी कि मैंने GST के पर्पज के लिए इसकी वैल्यूएशन क्या ली थी एग्जाम सप्लाई। देन इसके बाद आता है मैम इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ। मैम इंटरेस्ट रिसीव हुआ फिक्स डिपॉजिट पे, बट ये जो इंटरेस्ट रिसीव हुआ कहीं एग्जाम तो नहीं होता। सेल ऑफ शेयर्स, शेयर्स को जितने में सेल किया है ना उसका 1% हमको लेना होता है, वही इसकी क्या होती है वैल्यूएशन होती है। लीगल सर्विस आपने एडवोकेट से रिसीव की, एक रजिस्टर्ड पर्सन अगर एडवोकेट से लीगल सर्विसेज रिसीव करता है, मैम कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इसके लिए अप्लाई करना पड़ जाए, पता नहीं, देखते हैं। कॉमन इनपुट, अरे वाह, ऑलरेडी इन्होंने ही बता दिया कॉमन इनपुट कितना है, कॉमन इनपुट दे के रखा है 50 में से सर्विसेज के लिए इतना कॉमन इनपुट है और इनपुट के लिए इतना है। बोलते हैं वो डायरेक्ट, देखो अब क्या बोल रहे हैं, वो डायरेक्ट बोल रहा है कि आप हमें बता दो नेट GST लाइबिलिटी ऑफ सुराना एंड सन्स जो उन्हें पे करनी पड़ेगी कैश या क्रेडिट लेजर जिसमें से। अब इसने स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं पूछा, डायरेक्टली बोल दिया तुम तो बताओ कैश लेजर या क्रेडिट से कितना पे करना है। अब स्टेप वाइज नहीं है, इसका मतलब अगर ये क्वेश्चन 12 नंबर का तो स्टेप वाइज मार्किंग होगी क्योंकि इसे डिवाइड नहीं किया। फिर आगे बोलते हैं गुड्स के ऊपर एंड सर्विस के ऊपर, गुड्स पे 12%, इसके ऊपर 18%, आप ये सब इग्नोर कर दो। और आगे क्या बोला है, इनका टर्नओवर पिछले साल में इतना था। देखते हैं अभी क्या बोल रहे हैं। सबसे पहले हमें या तो क्या करना चाहिए, मैं लाइबिलिटी कैलकुलेट कर लूँ, तो यहाँ पे ये भी बोल रहे हैं चलो ठीक है हम सबसे पहले एक काम करते, क्या कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले हम लाइबिलिटी ही कर लेते हैं कैलकुलेट। तो एक चीज बताओ, लाइबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए मुझे
कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा जितना भी मैंने सेल्स किया उसके ऊपर मुझे कितना टैक्स पे करना है, फिर आईटीसी भी कैलकुलेट करना होगा, तब तो मुझे पता चलेगा नेट जीएसटी की मेरी लाइबिलिटी कितनी होगी। तो इसके लिए सबसे पहले एक काम करते हैं, आउटवर्ड सप्लाई देखते हैं। हमको टर्नओवर एमएनओ तीनों का दिया था, जिसमें से एन जो है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता है उसके ऊपर, तो एन के ऊपर मुझे कुछ टैक्स पे नहीं करना, बाकी के ऊपर गुड्स हैं, गुड्स के ऊपर मुझे 12-12% पे करना है। मैं देखो डायरेक्टली समझा सकती हूँ, एक्सपेक्ट नहीं करना कि मैं लिख लिख के बोल पाऊंगी, मुझे क्योंकि कुछ कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने मैम। इसके बाद एक्सपोर्ट किया हमने एम, एम को तो जीएसटी पे करके हमने एक्सपोर्ट किया है, उसका जीएसटी पेमेंट ये रहा, जबकि एक और हमारा ओ था जिसको हमने जीएसटी नहीं एलयूटी के फॉर्म में सेल किया है, तो उस पर कोई जीएसटी पे ही नहीं किया। मैम कंसल्टेशन सर्विस भी तो हमने ली है ना, दी है सॉरी, हाँ बिल्कुल कंसल्टेशन सर्विस ली है। ये रहा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस की पूरी डेफिनेशन, सप्लायर इंडिया में है, रेसिपिएंट इंडिया के बाहर है, आपको फॉरेन करेंसी क्या हो चुकी है, रिसीव हो चुकी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जैसा परमिट किया है उसके अकॉर्डिंग, तो ये एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस है। अब क्या बोलते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस एक जीरो रेटेड सप्लाई है। कैसे मैम, याद करो जीरो रेटेड सप्लाई आपके गुड्स का भी हो सकता है, सर्विस का भी हो सकता है। अब ये एक्सपोर्ट है एंड एक्सपोर्ट इज अ जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई की डेफिनेशन आप देखना, एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई होता है चाहे वो गुड्स का हो या सर्विस का हो। तो मैम जीरो रेटेड सप्लाई पे तो ना इनपुट जो आता है जो आप पे करके आते हो वो भी रिफंड हो जाता है और आउटपुट पे कोई टैक्स नहीं लगता, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कोई टैक्स नहीं लगता। मैम लेकिन सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग अरे नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, बट आईटीसी कैलकुलेशन करते वक्त आपको एग्जेम्प्ट सप्लाई की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ उसके वैल्यूएशन के लिए मुझे इसको लेना हो। तो एग्जेम्प्ट सप्लाई में मैं सेल ऑफ बिल्डिंग लेती हूँ, सेल ऑफ लैंड लेती हूँ और साथ में सेल ऑफ सिक्योरिटी लेती हूँ, ये हमने आईटीसी में सीखा था। आईटीसी के क्वेश्चन करने से पहले मेरा ना वो वीडियो डिटेल्ड वीडियो है, 2 या 3 पार्ट में है सीए फाइनल के लिए, जरूर देख लेना क्योंकि उसमें पूरे डिटेल में रिवीजन करवाने की अच्छे से कोशिश है, वो तुम्हारे लिए तो एक रेगुलर क्लास जैसे ही हो जाए। अब देखो मैम सेल ऑफ बिल्डिंग है, सेल ऑफ बिल्डिंग आपने कहा था वैल्यूएशन कैसे लेंगे, तो वैल्यूएशन मैंने कहा था कैसे लोगे सेल ऑफ बिल्डिंग की वैल्यूएशन, इस पर टैक्स तो कुछ नहीं लगने वाला क्योंकि नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। वैल्यूएशन ऐसे लोगे वही 2,50,000 डिवाइड बाय तुम क्या कर दो सीधे 2%, तुमको उसकी क्या मिल जाएगी वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि हमने देखा था ना हमें वैल्यू नहीं पता लेकिन उसका 2% निकल रहा है 2,50,000, तो इससे आप क्या निकाल सकते हो 2,50,000 को अगर 2% से डिवाइड करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू। मैम ये जो इंटरेस्ट रिसीव है उस पर टैक्स नहीं लगता क्योंकि हम भी जानते हैं ये एग्जेम्प्ट। तुम एक चीज देखो, एग्जेम्प्ट आ गया, आईटीसी रिलेटेड जो प्रोविजन है वो आ गए, ये तुम्हारे सप्लाई चैप्टर में मैंने सिखाया था एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस ये सब क्या होता है वो आ गया, फिर इसके बाद ये तुम्हारा जीरो रेटेड सप्लाई आ गया। भाई आईटीसी इज ऑल अबाउट मिक्सचर ऑफ ऑल द कॉन्सेप्ट्स। देन मैम सेल ऑफ शेयर में क्या आएगा, सेल ऑफ शेयर इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, जीएसटी नहीं लगेगा मैम इसके ऊपर, लेकिन हाँ इसकी वैल्यूएशन इतनी है जो अभी अपने को देखे। मैम मेरे हिसाब से आउटवर्ड सप्लाई में हमको जीएसटी इतना पे करना है, लेकिन मैम क्रेडिट भी तो अवेलेबल होगा, बिल्कुल क्रेडिट अवेलेबल होगा, इन्होंने खुद ही ने आगे लेके बोला कॉमन क्रेडिट दे दिया है। एक तो कॉमन क्रेडिट इनपुट का है और इनपुट सर्विस है, दोनों का हम उनको क्या दे रहे हैं कॉमन क्रेडिट दे रहे हैं। अब मैम कॉमन क्रेडिट मतलब एग्जेम्प्ट वाला भी इसी में है, टैक्सेबल भी इसी में, हाँ और एग्जेम्प्ट वाला हटा ले, इनपुट में एग्जेम्प्ट वाला क्या है एन, जिसपे आपको टैक्स पे नहीं करना होता है, जिसपे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है, इसका मतलब वो आपके लिए एग्जेम्प्ट सप्लाई है। तो इनपुट में आप क्या करोगे एग्जेम्प्ट सप्लाई के रिस्पेक्ट में रिवर्सल चेक करोगे, और इनपुट सर्विस में जो सर्विसेज अभी आपने चेक किया था कौन कौन सी एग्जेम्प्ट आ रही है उसके रिस्पेक्ट में भी क्या करोगे रिवर्सल आप चेक करोगे, फिर वो रिवर्सल आप यहाँ पे लिखोगे कि कॉमन क्रेडिट है तो कॉमन क्रेडिट में कितना आपको क्या मिलेगा रिवर्सल मिलेगा, तो फिर वही नहीं आ जाएगा मेरा टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा ओवरऑल आईटीसी इतना, ठीक है तो यहाँ पे अगर मेरा एग्जेम्प्ट टर्नओवर इतना तो आईटीसी कितना। अब यहाँ पे मैम मुझे क्या देके रखा है, जब मैं क्वेश्चन में जाऊं तो इन्होंने बोला है कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विस यूज फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस मेंशन अबव, यहां पे देखो क्या लिखा है ये 50 लाख क्या है, क्या ये मेरे कॉमन इनपुट की वैल्यू देके रखी है इसने कि 50 लाख मेरे कॉमन इनपुट की वैल्यू है,
जिसमें इनपुट 35,000 है, इनपुट सर्विस 15 लाख है। एक कॉमन मिस्टेक पता क्या हो सकती है, यहाँ पे आप क्या करोगे, इसी को ले लोगे कि इतना मेरा एटीसी, क्योंकि क्लियरली देखो ना उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने लिखा है कॉमन इनपुट्स एंड इनपुट सर्विस यूज्ड, कॉमन इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज यूज्ड फॉर द गुड्स एंड सर्विस, यहाँ नहीं लिखा और कॉमन क्रेडिट नहीं लिखा है, उन्होंने वैल्यू दी है कॉमन इनपुट और इनपुट सर्विस की, इसमें से मैं कॉमन क्रेडिट निकाल सकती हूँ। तो गुड्स के ऊपर कितना है, सर्विस के ऊपर जो रेट है उसके हिसाब से मैं क्या कर सकती हूँ, क्रेडिट निकाल सकती हूँ। भाई साहब प्लीज गलती मत करना, कॉमन इनपुट लिखा है, इनपुट क्रेडिट नहीं लिखा है, तो मैंने इसलिए परसेंटेज लगाया और परसेंटेज लगा के आई वुड कम टू नो मेरे पास कॉमन क्रेडिट क्या है, और इस कॉमन क्रेडिट को वही मुझे क्या करना है, रिवर्सल चेक करना है कि रिवर्सल कितना होगा। मैम जो रिवर्सल होता है वो रिवर्सल आपका कहाँ पे पता है मैम काउंट होगा, वो रिवर्सल काउंट होगा आपकी तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में। लेकिन मैम यहाँ पे ये आप टैक्सेबल एग्जम्प्ट टर्नओवर कैसे निकालते, तो देखो एग्जम्प्ट टर्नओवर के लिए इन्होंने लिया है वैल्यूएशन ऑफ बिल्डिंग जो मैंने बताया था, वैल्यू ऑफ शेयर जितना दिया है उसका 1% ले लो, इसके अलावा भी अगर कुछ एग्जम्प्ट नेचर का है वो है मेरा रिवर्स चार्ज में मैंने जो सेल किया है वो है एन, तो जो सप्लाई मैंने रिवर्स चार्ज में किया है उसकी भी वैल्यू यहाँ आएगी, तो ये हो गया टोटल मेरा एग्जम्प्ट सप्लाई। फिर इसके बाद टोटल टर्नओवर तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, जितना भी एग्जम्प्ट नॉट एग्जम्प्ट आरसीएम जितना भी आपने क्या किया सप्लाई के सबका टोटल किया, क्योंकि टोटल टर्नओवर में एग्जम्प्ट भी आता है, नॉन टैक्सेबल भी आता है, जीरो रेटेड भी आता है, सभी तरह के सप्लाई आते हैं, इंटरस्टेट इंटरेस्टेड, इन सबका टोटल किया तो यू विल गेट योर टोटल टर्नओवर हियर। क्या आप निकाल सकते हो अब रिवर्सल कितना होगा? अब मैम रिवर्सल भी निकल गया हमारा, रिवर्सल निकलने के बाद जितना हमको रिवर्सल निकालना था हमारे पास क्रेडिट इतना था, ठीक है, जिसमें से मैम ये जो क्रेडिट है मेरा कॉमन क्रेडिट इतना है, इस कॉमन क्रेडिट में एक चीज और आ गई, लीगल सर्विस यूज्ड इन मैन्युफैक्चर ऑफ टैक्सेबल प्रोडक्ट। ये क्या है मैम, याद करो इतना ATC तो है, लेकिन जब आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स पे करके आते हो तो उसका ITC आप ही को मिलता है, तो वो अलग से उसका ITC भी तो आप लो, तो टोटल ITC आपके पास इतना अवेलेबल है और रिवर्सल वाला इतना है, तो नेट आपके पास ITC यूज होने के लिए इतना बचता है। तो मैं स्टेप्स बार बार समझाने की कोशिश कर रही हूँ, आप चेक करो कितना रिवर्सल करना है, आप चेक करो आफ्टर रिवर्सल आपके पास ITC कितना है, फिर आप जो टैक्स लाइबिलिटी निकालोगे इस टैक्स लाइबिलिटी में से उस ITC को माइनस करोगे, तो ये अमाउंट ऑफ कैश लेजर से पे करो। गलती ये हो सकती है आप सिर्फ लिख के आओगे ये अमाउंट हम कैश लेजर से पे करेंगे, बट ऐसा नहीं है दोस्त, जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आपकी कोई लाइबिलिटी आएगी वो भी कैश लेजर से ही पे होगी। तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की लाइबिलिटी पे होती है कैश लेजर से और उसका ITC भी आप ही को मिलता है, तो इसीलिए जो लीगल सर्विस है वो यहाँ कैश लेजर में इसका अमाउंट यहाँ भी ऐड हुआ है और उसका ITC हमको मिलता है। तो फाइनली कैश लेजर से मुझे इतना पे करना, मैं स्टेप्स फिर से बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, तुम्हें ये चीज याद रखनी है। पॉइंट नंबर वन, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या आता है, उसके बाद याद रखना है इनपुट में क्या आता है, और जब भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप कुछ पे करोगे वो कैश से पे करोगे, ITC यूज नहीं करोगे, और अगर आपने कैश से कुछ पे किया है तो उसका ITC आपको मिलेगा। अगर आपने कुछ सेल किया और सामने वाला रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पेमेंट कर रहा है तो आपके आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में नहीं आएगा, आपके ITC में नहीं आएगा, बट वो आपका एग्जैक्ट सप्लाई अकाउंट होता है। ये क्रक्स है चीजों का। तो डन विद दिस क्वेश्चन ऑल्सो, अब आते हैं हम इसके बाद 21 यू हैव टू डू बाय सेल, बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नया नहीं है। देन आते हैं हम किसके ऊपर, 22 के ऊपर, ऑल्दो 22 में इतनी चीजें नहीं, बट वो इतना छोटा छोटा इतनी डिटेल्स देके रखी है तो वो मेरे लिए ना डिटेल बड़ी काम की होने वाली है। एक रीजन और है ये वाला करवाने का, क्योंकि अब फाइनली इसमें दिया है मेरे पास ओपनिंग बैलेंस है ITC का, ITC ओपनिंग बैलेंस इन्होंने दिया है, तो इसका भी हमको क्या करना है, क्वेश्चन यहाँ पे करना है। सो नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 22, बोलता है देखो भाई सप्लाई प्राइवेट लिमिटेड एक रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर है ऑटो पार्ट्स इन कोलकाता, इसके भैया पार्ट वार्ट्स कहाँ के हैं, कोलकाता। तो भैया जो भी है ये कोलकाता का रजिस्टर्ड पर्सन है,
कंपनी हैज अ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, ठीक है, इसने कुछ इनपुट प्रोक्योर किए हैं फ्रॉम बोथ रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड विद इन आउटसाइड वेस्ट बंगाल. तो बोल रहा है रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड दोनों से इसने क्या किया है, प्रोक्योर किया है इनपुट. एंड साथ में बोल रहा है क्या, एज वेल एज आउटसाइड बंगाल एज ऑल्सो इम्पोर्ट सम रॉ मटेरियल फ्रॉम चाइना. बाहर से भी मंगवाए हैं, इंडिया से भी लिए हैं इसने गुड्स, रजिस्टर्ड से लिए, अनरजिस्टर्ड से भी, सब कुछ किया इसने. डिटेल्स कुछ दे के रखी है, वो बोलता है इसने पेमेंट किया. यहाँ क्या दिया है, पेमेंट. यहाँ क्या दिया है, रिसिप्ट. तो भाई ने जो रिसिप्ट किए, भाई ने जो पेमेंट किया उसकी डिटेल है, सेल्स किया इतने का, रॉ मटेरियल कंज्यूमेबल ट्रांसपोर्टेशन चार्ज टू ब्रिंग रॉ मटेरियल टू द फैक्ट्री, सैलरी एम्प्लॉयज को दिए, पेरोल प्रीमियम पे किया, लाइफ इंश्योरेंस टेकन फॉर स्पेसिफाइड एम्प्लॉयड, ऑडिट फीस, ये सब उसकी पेमेंट की डिटेल दी, बैंक चार्जेस, टेलीफोन एक्सपेंस. अभी तक तो कुछ ऐसा था ही नहीं इस क्वेश्चन में. फिर क्या हुआ, अब डायरेक्ट चलती हूँ मैं यहाँ. क्या बोला है मुझे, कंप्यूट करके दो ITC इसके पास कितना है, नेट GST इसको कितना पे करना होगा कैश लेजर से. मतलब दो भागों में क्वेश्चन को दे हैव डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. बाकी बोला है CGST SGST का जो रेट दिया है, और यहाँ पे क्या बोला है ये ध्यान रखो. अब क्वेश्चन अलग है, यहाँ तक आज तक आप सुनते आ रहे थे ना, इग्नोर CGST SGST IGST, अब इग्नोर नहीं है. इसका मतलब जब तुम्हें यहाँ पे ये मिल जाए, ये क्वेश्चन क्यों अलग है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, जब ये मिल जाए तो समझना रूल नंबर 49 भी लगेगा, सेक्शन नंबर 49, दैट इज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC. अब तक तुमने जो ITC यूटिलाइज किया कंबाइन कर करके कर रहे थे, अब देखो यहाँ पे ITC यूटिलाइजेशन का मैनर भी लगाना पड़ेगा, पेमेंट ऑफ टैक्स चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट यहाँ एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे. अब यहाँ क्या लिखा है, कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमको दिया, और वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोलता है रॉ मटेरियल दैट अमाउंट 2.80 लाख इज प्रोक्योर्ड फ्रॉम बिहार. अच्छा लगा भैया, बिहार से खरीदा. देन 1.5 लाख इज इम्पोर्टेड फ्रॉम चाइना. तो ये बता रहा है रॉ मटेरियल इम्पोर्ट कितना किया है उसने, और साथ में यही इंडिया से कितना लिया है, कस्टम ड्यूटी कितनी पे किए है, वेलफेयर चार्जेस कितने पे किए, IGST कितना पे किया है इन इम्पोर्टेड गुड्स पे. इसके अलावा जितने भी रॉ मटेरियल थे वो उसने बंगाल से खरीदे हैं, उसमें से जो बंगाल से खरीदा उसमें से 0.30 उसने अनरजिस्टर्ड से प्रोक्योर किया, बाकी सारा रजिस्टर्ड से प्रोक्योर किया. फर्दर रॉ मटेरियल वर्थ 0.05 दैट इज परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल हैज बीन डिस्ट्रॉयड. इसके अलावा जितना उसने रजिस्टर्ड वाले से खरीदा था ना, उसमें से भी कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, एंड दस कुड नॉट बी यूज इन 548 मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस. बस सिंपल सी ये कि दस इट कुड नॉट बी यूज इन द मैनुफैक्चरिंग प्रोसेस. भाई इतनी डिटेल रॉ मटेरियल की, बिहार से खरीदा, बाहर से खरीदा, इतना कस्टम ड्यूटी, इतना तुम्हारा सोशल वेलफेयर टैक्स, फिर IGST इतना पे किया, बाकी का बच्चा वेस्ट बंगाल से खरीदा जिसमें से थोड़ा रजिस्टर्ड से है, थोड़ा अनरजिस्टर्ड से, रजिस्टर्ड से जितना खरीदा उसमें से कुछ कुछ क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, और जो डिस्ट्रॉय होता है उसका ITC ब्लॉक होता है. यही तो मेन है, इतना गोल गोल रानी, कितना कितना पानी. कंज्यूमेबल्स आर प्रोक्योर्ड फ्रॉम रजिस्टर्ड सप्लायर लोकेटेड इन कोलकाता एंड इंक्लूड डीजल. हाय राम, कंज्यूमेबल में डीजल, और डीजल पे क्या GST लगता है या नहीं लगता, अभी तो मुझे ये भी सोचना पड़ेगा. फिर आते हैं फैक्ट्री में ये डीजल वगैरह काम आता है. फिर ट्रांसपोर्टेशन चार्ज हमने कुछ इतने पे किए GTA को कोलकाता में, और इतने पे किए हॉर्स पुल्ड कार्ट को. अब ये नया क्या आ गया भाई, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज GTA को पे किए वो समझ में आता है, लेकिन ये हॉर्स पुल्ड कार्ट को भी हमने पे किए हैं, और जो लाइबिलिटी है वो 5% पे, मतलब GTA रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म फॉलो करवाएगा, फॉरवर्ड चार्ज में इंटरेस्टेड नहीं है. लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ली इम्प्लॉय के लिए, लेकिन इस बार स्टेचुटरी ऑब्लिगेशन था, मतलब 17 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल नहीं हुआ. ऑडिट फीस इज पेड टू मेसर्स गोयल एंड कंपनी. ऑडिट फीस हमने चार्टेड अकाउंटेंट को पे की है जो रजिस्टर्ड कहाँ पे है, बंगाल में, फॉर स्टेचुटरी ऑडिट. टेलीफोन एक्सपेंस वगैरह हमने पे किए हैं, टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर भी वेस्ट बंगाल का है. मैं बताऊँ ये डिटेल क्यों है, आपको प्लेस ऑफ सप्लाई अप्लाई करना पड़ेगा,
देखो सीजीएसटी है या आईजीएसटी, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेट देख के रखे, तुम्हें सोचना होगा कहाँ सीजीएसटी लगाओगे, तुम्हें सोचना होगा कहाँ आईजीएसटी अप्लाई करोगे। सेल्स है तो कुछ सेल्स का भी हमको क्या देख के रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेकअप देख के रखा है। वेस्ट बंगाल का सेल्स, अदर देन वेस्ट बंगाल का सेल, एलयूटी बॉन्ड का सेल कितना है, और ओपनिंग बैलेंस मुझे तीनों के दिए हैं और बोला है फिर से वही वही जीएसटी आईटीसी वगैरह का कैलकुलेशन बताओ। प्रॉब्लम क्वेश्चन में नहीं है, बस ये क्वेश्चन क्यों अलग था, जब तुम्हें ये चीज दिख जाए तो समझना कि आपको प्रॉपर सोचना पड़ेगा कहाँ इंटर कहाँ इंट्रा, इनका आईटीसी मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन भी सोचना पड़ेगा। अब मैं सबसे पहले आ जाती हूँ, मेरे पास भाई आईटीसी अवेलेबल कितना है, उन चीजों को सोचे, और साथ में मेरा आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कितनी आती है। तो मैंने आपको जैसा बोले, सबसे पहले तो आप क्या करो, जीएसटी लाइबिलिटी कैलकुलेट करना क्या कर दो, स्टार्ट कर दो, फिर हम आईटीसी देखेंगे। तो आगे हम जीएसटी लाइबिलिटी को सोचने के लिए यहाँ बताया है आपको सेल्स एक ही बताइए। देखो मैं तुम्हें एक टिप दे रही हूँ, जब तुम क्वेश्चन पढ़ते जाओ वही लिखते जाना, कौन सी चीज परचेस है कौन सी चीज सेल है, मतलब पी लिख दो एस लिख दो, पी लिख दो एस लिख दो, पी लिख दो, तुम्हें पता चल जाएगा ना सेल्स में कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी चीजें लेनी है, परचेस में कहाँ कहाँ पे कौन सी चीजें लेनी है, इजी हो जाएगा। अब मुझे इतना सब कुछ पड़ा, ये मैंने परचेस किया, ये प्रोक्योर किया मतलब परचेस किया, ये चार्जेस पे किया मतलब मैंने परचेस किया परचेस किया परचेस किया, बस ये इकलौता यही तो सेल्स का डिटेल था मेरे पास। तो ठीक है, अब ये सेल्स के डिटेल में मुझे सोचना पड़ेगा इंट्रा कौन सा है इंटर कौन सा है, तो फिर वहां पे दिया ना अदर देन वेस्ट बंगाल आपने क्या सेल किया है, वेस्ट बंगाल में क्या सेल किया है, और फिर एलयूटी बॉन्ड वाला क्या सेल है, वो तीनों चीजें आपको यहाँ पे देख के रखी है, इंट्रा खुद दिया है इंटर खुद दिया है, तो मुझे जीएसटी का सिर्फ रेट ही तो लगा के देखना है कि टैक्स कितना पे होगा। और याद रखो एलयूटी बॉन्ड एक्सपोर्ट जीरो रेटेड सप्लाई, जीरो रेटेड सप्लाई है, यहाँ पे कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा क्योंकि उसने तो लेटर ऑफ अंडरटेकिंग रखा है। तो यह मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी तो इजीली कैलकुलेट होगी। अब बात आती है आईटीसी, अब पूरी बात मेरी आईटीसी पे आती है। तो मैम आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस है, हाँ है, वो आपने लिख दिया। अब रॉ मटेरियल जो मैम बिहार से लोगे, यार रॉ मटेरियल बिहार से ले रहे हो डजन मैटर, उसका आपको आईटीसी मिलेगा। मैम चाइना से भी लोगे तो भी आईटीसी मिलेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये है जब आप बिहार से ले रहे हो तो मेरे दादा दादी सुनो, क्या आप कहाँ हो वेस्ट बंगाल में प्रोक्योर कर लो बिहार से, इंटर स्टेट इंटर स्टेट, ये चीज याद है मैम। हमने रॉ मटेरियल एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से लिया, अनरजिस्टर्ड पर्सन ने तुम्हें जीएसटी नहीं लगाया होगा, तो जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से सप्लाई लेते हो तो भाई साहब वो जीएसटी कैसे लगाएगा तुमको, तो जब जीएसटी बेचारा लगा ही नहीं सकता तो यहाँ आईटीसी की बात आएगी क्या, नहीं आएगी। देन रॉ मटेरियल मैम डिस्ट्रॉय हो गया, शिट, ओहो रॉ मटेरियल डिस्ट्रॉयड, याद करो डिस्ट्रॉय वाले पे 17 सबसेक्शन 5 एप्लीकेबल होता है, जो बोलता है ब्लॉक्ड क्रेडिट, तो इसका क्रेडिट तो मिलने से रहा मैम। इसके बाद जो बच्चे कुचे रॉ मटेरियल थे वो हमने वेस्ट बंगाल से लिए, तो मेरे पास टोटल है ना रॉ मटेरियल का, कि हमने ओवरऑल टोटल रॉ मटेरियल कितना प्रोक्योर किया, तो रॉ मटेरियल मैम इतना प्रोक्योर किया, उसमें से बिहार से कितना किया बिहार के बाहर से कितना किया, और फिर जो बचा कुचा है वो रॉ मटेरियल बिहार और बिहार के बाहर से, फिर जो डिस्ट्रॉय वगैरह हो गया इन सबको हटा के, जो जो चीजें यहाँ पे लिखी इन सबको हटाया, तो मेरे पास इतना रॉ मटेरियल बचता है जो हम वेस्ट बंगाल से ही ले। मैम इंट्रा स्टेट पूरा खेल यहाँ पे रॉ मटेरियल कैलकुलेशन का था, इंटर और इंट्रा स्टेट का था। अब कुछ नहीं, रॉ मटेरियल के रिस्पेक्ट में आपको आईटीसी यहाँ पे समझ में आ गया। अब क्या है मैम, इसके अलावा आपने क्या क्या खरीदा था मैम, कुछ कंज्यूमेबल्स खरीदे थे, कहाँ गए वो कंज्यूमेबल्स, हम भी देख लें जरा, ये रहे कंज्यूमेबल 1.25। अब ये 1.25 कंज्यूमेबल तो दे दिया और कुछ भी नहीं लिखा इसके बारे में कि ये लिखा कंज्यूमेबल कहाँ से लिए, कोलकाता से लिए हैं, और इसमें 0.25 का डीजल भी इंक्लूडेड है। तो मैम कंज्यूमेबल हमने कोलकाता से लिए लेकिन उसमें 0.25 का क्या है, डीजल भी इंक्लूडेड है। अब बताओ डीजल के ऊपर तो मैम जीएसटी लगता नहीं है, तो डीजल के ऊपर क्या नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगता, जीएसटी नहीं लगता तो उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। तो मैम कंज्यूमेबल था कितने का, कंज्यूमेबल मेरा था 1.25 का,
जिसमें से मैम 0.25 का डीजल था वो हटा दो, 1 बचा। इस 1 पे आप टैक्स लगाओ, और वो टैक्स कितना परसेंटेज देके रखा है उन्होंने, 99%। तो 99% के हिसाब से आपका ये इंटरेस्ट रेट। फिर मैम आता है ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस रॉ मटेरियल लाने के, सैलरी जो एम्प्लॉय को पे की, मैम ये जो सैलरी हमने एम्प्लॉय को पे की इस पे जीएसटी नहीं लगता, क्योंकि शेड्यूल 3 आता है। शेड्यूल 3 बोलता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। बट मैम व्हाट अबाउट द ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस फॉर ब्रिंगिंग, इसका दिक्कत नहीं है, इसका ITC ब्लॉक नहीं है, इसका ITC मिलेगा। और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसने पे कहा कि बस ये देख लो, मैम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो पे की 0.70, और ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हमने कोलकाता कोलकाता के लिए पे किए, तो ये इंट्रास्टेट हो गया। तो मैम इंट्रास्टेट है मिलेगा तुमको ITC, सैलरी पेड टू एम्प्लॉय नहीं मिलता। मैम लाइफ इंश्योरेंस एम्प्लॉय के लिए, और यहाँ पे बोला था लॉ ने ऑब्लिगेशन किया, तो इसका भी ITC आपको मिलेगा। ऑडिट फीस का ITC मिलता है, टेलीफोन एक्सपेंस का मिलता है, बैंक चार्जेस का मिलता है। बस क्यों यहाँ पे लिखा था कि कहाँ पे टेलीफोन चार्ज वायर है, क्योंकि यहाँ पे तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई अप्लाई करके देखना है, CGST लगाओगे या IGST एप्लीकेबल। अब तुम्हारे को मिल गया, ये रहा तुम्हारे पास ITC, आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी ये रही, ITC तुम्हारा ये रहा। याद रखो, ऐसे ही मत कर देना माइनस। सबसे पहले हमें क्या करना है, IGST के लिए पूरा IGST यूटिलाइज करना है, CGST के लिए CGST, SGST के लिए SGST पूरा यूटिलाइज करना है। अब यूटिलाइजेशन करने के बाद इसमें पेबल आ गया, इसमें पेबल आ गया, और इसमें भी पेबल आ गया। मैम सिर्फ यही पे करना है, नहीं, क्या तुम्हें रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में कुछ पे करना था? बिल्कुल, वो GTA को जो तुमने पेमेंट किया था वो तो रिवर्स चार्ज में कवर था, तो उसका रिवर्स चार्ज भी तो मैम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से ही मेरा पे होगा। तो इतना अमाउंट तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर से पे करना था। बार बार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के कॉन्सेप्ट को याद रखो। जब CGST SGST का एलोकेशन तुम्हें करना हो तो समझ जाना तुम्हें प्लेस ऑफ सप्लाई भी अप्लाई करना होगा। विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 22। 23 इज एन ईजी, 24 सेम है जो हम कर चुके हैं, सेम वैसा ही रहा 24 जो अभी मैंने आपको कराया, ये वही है। देन 25 यू हैव टू डू बाय योर सेल्फ, अगेन इट इज वेरी इजी, इसलिए भी क्योंकि ये सब भी हम ऑलमोस्ट सेम चीजें क्या कर चुके हैं, और ये छोटा है डिस्कस कर चुके हैं, इसमें कुछ बहुत हार्ड एंड फास्ट नहीं है। 25 अगेन सेम है, कुछ ज़्यादा अलग नहीं है, छोटे क्वेश्चन है, ईजी है, दैट यू वुड बी एबल टू डू नाउ बाई योर सेल्फ। इसमें नया पॉइंट कुछ नहीं है, इसलिए मैं इसे डिस्कस नहीं कर रही। अब आते हैं 26 पे। अब 26 में ऐसा क्या है, दो मिनट का पॉज दो, पानी पीते हैं, फिर 26 वाला मुझे आपको करवाना है। देन 27 भी हम करेंगे, 26, 27, 28, 29 नहीं, सेल्फ है, एंड देन आई गेस हमारा 30 आएगा। ये क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन की लेंथ, तो 26, 27, 28 एंड 30, ये चार हम करेंगे, ठीक है। दो मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर रीस्टार्ट करते हैं। अब जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो क्या बोलता है कि ये जो भामा लिमिटेड वगैरह जो भी है, ये कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है, ठीक है। तो भैया इनका रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में है, उसका रजिस्टर्ड ऑफिस ठीक है मुंबई में, मुंबई महाराष्ट्र में है। एंगेज इन द बिजनेस ऑफ प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर सप्लाई ऑफ ऑल दिस थिंग्स, वेजिटेबल वगैरह ये सब का सप्लाई ये लोग करते हैं। समझो, गड़बड़ मत कर देना, एग्रीकल्चर का सप्लाई कर रहे हैं, वो बेच रहे हैं, सर्विस रिलेटेड टू एग्रीकल्चर एग्जेम्प्ट होते हैं। ये क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं, सप्लाई करते हैं, सेल्स सेल हो रहा है इनका। यहाँ पे बोला है अप्रैल मंथ का हम आपको सप्लाई दे रहे हैं, इंट्रास्टेट, खुद ही बोल रहा है इंट्रास्टेट सप्लाई दे के रखा है इन सारी चीजों का, और ये रही उसकी वैल्यू। बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ द अबाव सप्लाई, कंपनी ने कुछ इनवर्ट सप्लाई भी रिसीव किया, तो खुद आगे चल के सेल्स दे दिया, खुद आगे चल के सारे परचेसेस दे दिए, और तुमसे पूछना क्या चाहता है वो,
बोलता है, डायरेक्टली देखते हैं, वो पूछ रहा है कि बताओ भाई आउटपुट जीएसटी लाइबिलिटी हमारे पास आईटीसी कितना अवेलेबल है और हमको कैश लेजर या क्रेडिट लेजर से कितना पे करना पड़ेगा अप्रैल में, तुम तो बस इतना बताओ। फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल पे जो जीएसटी बोलते कुछ नहीं लगता, फ्रेश जूसेस और ये कार्बोनेटेड जूसेस पे जो जीएसटी वो इतना लग रहा है, और जब ये दिया है ना समझ जाना प्लेस ऑफ सप्लाई तुम्हें अप्लाई करके देखना पड़ेगा सीजीएसटी एसजीएसटी या आईजीएसटी। फिर उसके बाद ही प्रोक्योरमेंट दिया है, क्या बोला है, फ्रेश फ्रूट्स फॉर फर्दर सप्लाई, इन्होंने खुद ने खरीदे फ्रेश फ्रूट्स फर्दर सप्लाई के लिए, वेजिटेबल्स फर्दर सप्लाई के लिए खरीदे, फ्रूट पल्प जो यूज होगा जूसेस में, शुगर यूज करने के लिए उन्होंने खरीदी, प्रिजर्वेटिव्स खरीदे जूसेस के लिए, वाटर खरीदा है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस किए, मार्केटिंग एक्सपेंस किए, परचेस किया है मशीनरी दैट इज कैपिटल गुड्स फॉर फ्रूट ड्रिंक, फ्रूट ड्रिंक के लिए इन्होंने क्या किया, एक मशीन खरीदी, कैपिटल गुड्स खरीदी। ऐसा तो नहीं मैम, रूल नंबर 42 भी लगाना, 43 भी लगाना पड़ जाए, कुछ नहीं पता मुझे, देख लेते हैं। यहाँ तो बोला ये कॉमन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव और ये तो बोल दिया भैया कॉमन एक्सपेंसेस हैं, ठीक है। मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल फॉर डायरेक्टर का ऑफिशियल यूज, मैम मोटर व्हीकल, मोटर व्हीकल पे क्या आईटीसी मिलता है 17 सबसेक्शन 5 में, कुछ तो मोटर व्हीकल से रिलेटेड भी पड़ा था, देखते हैं। इन्होंने खुद ने, अरे देखो और इजी क्वेश्चन, खुद ने दे दिया सीजीएसटी एसजीएसटी, अब खुद ही ने दे दिया कहाँ सीजीएसटी कहाँ एसजीएसटी, मतलब तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई पे एप्लीकेबल होगा। बोल क्या रहे, फॉर फर्दर फॉर मेकिंग द सप्लाईज ऑफ फ्रूट जूसेस इट हैज यूज द सर्विस ऑफ जीटी, भाई जीटी इतना इंपॉर्टेंट है ना, हर जगह तुम्हें मिलेगा। बोलता है इनको जब फ्रूट जूसेस सप्लाई करने थे जीटी की सर्विस यूज की है, और जीटी कहाँ पे है, अहमदाबाद में, ठीक है, विच हैज चार्ज 20 लाख एज द चार्जेस फॉर सर्विस, जीटीए ने 20 लाख रुपीज चार्ज किए, जीटीए ने एक्सरसाइज नहीं किया ऑप्शन की वो टैक्स पे करेगी, मतलब वो सीधे सीधे बोले भैया रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म अप्लाई। मुझे सिंपल सा, मुझे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी कोई बता दो, मुझे आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी अगर पता चल जाती है मेरे सेल्स की, ठीक है, फिर मैं निकाल लूंगी इनपुट टैक्स लाइबिलिटी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की कितनी है उसी के हिसाब से आईटीसी का कितना है, ये सब चीजें मैं फिर निकाल लूंगी। तो मुझे पता है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, मुझे क्लियर इन्होंने ही दे के रखा है यहाँ पे कितना क्लियर सेल्स कितना है, और ये बोल भी दिया इंटरेस्ट रेट सेल्स है, अब क्या ही बोलूं, मुझे इंटरेस्ट रेट सेल्स पता है किसका कितना है, मुझे सिर्फ यहाँ से देखना है रेट, अगर मुझे ये रेट पता चल जाएगा तो मुझे पता चल जाएगा मेरी जीएसटी की लाइबिलिटी यहाँ कितनी है। मैं डिटेल में नहीं समझा रही फिगर ले लेके, बट तुम्हें ये चीज समझ में आ जानी चाहिए। अब मैम बात बनती है मेरी आईटीसी के ऊपर, अब मैम आईटीसी कैसे निकाले, तो आईटीसी कुछ नहीं, तुमको पता होना चाहिए अगर तुम एग्जेम्प्ट सप्लाई करते हो, एग्जेम्प्ट सप्लाई के लिए जो चीज खरीदी है उसका आईटीसी नहीं मिलता, बाकी का आईटीसी मिल जाए। अब देखते हैं हमारे लिए एग्जेम्प्ट क्या क्या एग्जेम्प्ट नहीं मिलते, देखो इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन क्रेडिट इनपुट, इनपुट सर्विस एंड कैपिटल गुड, तीनों के लिए जो मेरे पास क्रेडिट है, इनपुट के लिए, इनपुट सर्विस के लिए एंड कैपिटल गुड्स के लिए जो मेरा क्रेडिट है, हम वो सारी चीजें यहाँ पे क्या करते हैं समझते हैं। सबसे पहले हमने मैम फ्रूट पल्प खरीदा, फ्रूट पल्प हमने किसके लिए खरीदा, फ्रूट पल्प हमने फ्रूट जूस और इसके लिए खरीदा, मतलब ये तो टैक्सेबल नेचर वाली चीजें थी, फ्रूट जूस और ये, फ्रूट पल्प खरीदा, शुगर खरीदा, प्रिजर्वेटिव्स खरीदा। आपको ये देखना है कि कौन सी चीज है जो आप टैक्सेबल के लिए खरीद रहे हो और कौन सी एग्जेम के लिए खरीद रहे हो, और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस भी आपने क्या किए हैं, लिए हैं, मशीन भी खरीदी है आपने, मोटर व्हीकल, और मोटर व्हीकल की कैपेसिटी जब मैम ये डायरेक्टर के लिए लेस देन 13% है तो इट इज नॉट फॉर फर्दर सप्लाई ऑल्सो, इसका तो मैम आईटीसी हमको मिलने से रहा क्योंकि इसकी कैपेसिटी 13 से कम है और 13 से कम वाली कैपेसिटी का हमको आईटीसी मिलता नहीं, ये हमको पता। यहां पे मुझे सिर्फ ध्यान रखना होगा, अब देखो यहाँ पे हमने क्या क्या खरीदा, चलो एक और बात, मैम शुगर खरीदा, जूस और इसके लिए, ये टैक्सेबल चीज के लिए खरीदा, इसका आईटीसी मिलेगा, फ्रूट पल्प खरीदा, इसका भी आईटीसी मिलेगा, मैम प्रिजर्वेटिव्स भी इनके लिए खरीदे, मतलब इन तीनों का आईटीसी तो मिलेगा, मैम वाटर भी इसी के लिए खरीदा, इसका भी आईटीसी मिलेगा, और बाकी ये तो मैम कॉमन नेचर के, तो मतलब यहाँ पे समझ में आया तुम्हें एक चीज, फ्रूट पल्प, शुगर, प्रिजर्वेटिव्स, इन तीन चीजों का मुझे आईटीसी मिलेगा,
जो क्योंकि ये टैक्सेबल नेचर ऑफ जो प्रोडक्ट है उसके लिए है, तो इसका ITC मुझे मिल जाएगा। और देख लें एक बार इसका ITC कितना होता है। तो मैम ये हो गया 6.6 CGST, प्रिजर्वेटिव्स का IGST है, और उसके बाद ये फ्रूट पल्प का मेरा 2020 है। देख लीजिए 2020, 6.6 और IGST, ये ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह मैम कॉमन क्रेडिट में कॉमन है, बोले सबके लिए करते, बट सबके लिए करते हैं, पर यहाँ पे जब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस वगैरह कॉमन लिख के दिया, ये तो दे दिया ये 2 and 2 है, ये दे दिया 10 है, यहाँ पे मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं इसको कैसे बाइफरकेट करूँ? क्या मुझे कुछ दे के रखा है इसके बाइफरकेशन का? अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस एंड मार्केट कॉमन लिख दिया, अब कॉमन तो लिख दिया, कॉमन मतलब इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी हुआ, इसके लिए भी, इसके लिए, और इसका मतलब ये इसमें से ये दो चीजें तो टैक्सेबल नहीं है और ये टैक्सेबल है। तो यहाँ पे एक चीज देखो, इन्होंने ज्यादा दिमाग नहीं लगाया, ओवरऑल लिख दिया, जबकि तुम भी जानते हो मैं भी जानती हूँ ये गलत है। क्यों गलत है? आप कॉमन भी यूज कर रहे हो बट इसको आप बाइफरकेट नहीं कर पा रहे, और आपने कुछ प्रपोर्शन बांटने के लिए दिया नहीं, तो हमको पूरा ही लिखना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे इन्होंने पूरा लिखा। और सिर्फ इस चीज के लिए मैंने आपको ये डिस्कस कर। फिर आता है मैम ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस, दैट वी ऑल नो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे, और जो मैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में अमाउंट पे करती हूँ उसका मुझे ITC मिलता है, तो यहाँ पे वो ITC इसीलिए लिखा है। मशीन है तो मैम मशीन IGST, और मशीन हमें पता है हमने किसके लिए खरीदी है, मशीनरी हमने खरीदी है स्पेसिफिकली फ्रूट ड्रिंक के लिए, और फ्रूट ड्रिंक जो है वो तो टैक्सेबल है, तो इसका ITC भी हमें मिल जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जाए। तो मेरे पास मैम ITC ओवरऑल टोटल इतना एलिजिबल है मेरे पास है, सिर्फ इतने से बात बन जाएगी क्या? नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? मेरी बात समझो, इनपुट टैक्स क्रेडिट टू बी रिवर्स ऑन इनपुट एंड इनपुट सर्विस। अब आप चेक करो किसका रिवर्सल भी करना पड़ेगा। अगर मैंने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस की बात की है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आपने यहाँ पे पूरे लिख दिए क्योंकि कॉमन है, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 2 लिख दिया, यहाँ 10 लिख दिया, बट तुम्हें पता है यहाँ पे इसने टर्नओवर डिटेल भी दी है। टर्नओवर डिटेल दी है इसका मतलब यहाँ पे जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस आप कॉमन ले रहे हैं, क्या मैं नहीं कर सकती टोटल टर्नओवर इतना तो मेरा ITC इतना, तो एग्जैम टर्नओवर इतना तो मेरा ITC कितना, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के लिए भी रिवर्सल होगा। वहां पे पता है हमको दिमाग में पता है क्या रहता है, कॉमन मतलब सिर्फ गुड्स के रिस्पेक्ट में, कैपिटल गुड्स के रिस्पेक्ट में वही चलता रहता है, या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में उन्होंने कॉमन दे दिया, मार्केट एक्सपेंस के रिस्पेक्ट में उन्होंने कॉमन दे दिया, इस चीज को ध्यान रखना। यहाँ पे भी रिवर्सल होगा, और जो रिवर्सल होता है आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में एड होता है, तो मेरी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ये तो आएगा ही आएगा, साथ में जो रिवर्सल हुआ है वो रिवर्सल भी हम क्या करेंगे, एड करेंगे। तो यहाँ पे इन्होंने नेट कर दिया है। देखो या तो तुम इस रिवर्सल को ITC से माइनस कर लो या आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में ऐड कर लो, बात तो एक ही, इन्होंने क्या कर दिया ITC से सेट ऑफ कर दिया। तो अब तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में लेने के लिए कितना बचा है? इसका 26 IGST का, बाकी CGST SGST का 27 बचा है, तो वही पेमेंट ऑफ टैक्स का फॉर्मूला लगाओ। मैनर क्या है? पहले IGST को पूरा यूटिलाइज करो, फिर CGST SGST है तो CGST के लिए CGST को यूटिलाइज करो, SGST के लिए SGST को यूटिलाइज करो, उसके बाद कुछ बचता है तो फिर आपस में यूटिलाइजेशन होगा। तो यहाँ पे मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन में देखो, IGST की तो मेरी कोई लाइबिलिटी आ ही नहीं रही, तो मुझे क्या करना होगा? सबसे पहले मेरे को बोला है कि कुछ भी पेमेंट करना है तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले या तो आपस वाला कर लो, आपस का यूटिलाइजेशन, फिर आपके पास बचेगा IGST का यूटिलाइजेशन। ये मैनर आपके ऊपर रहता है, आप किसी भी ऑर्डर में क्या कर सकते हो, यूटिलाइजेशन कर सकते हो। तो मेरी इस लाइबिलिटी को चाहूँ मैं पहले लिख दूँ 27 27 CGST का CGST यूज हुआ, SGST का SGST, फिर इस 26 को यूज करें, वो अपने ऊपर है। तो ओवरऑल मुझे कैश लेजर से ये भी पे करना, और फिर चेक कर लेना भाई RCM में कुछ पेमेंट करना तो नहीं है, जो पेमेंट करना है वो भी कैश लेजर में ऐड होता है। आइए बात समझ में, डन। तो अभी मैं बोलूँ, मैं सिर्फ तुम्हें क्वेश्चंस करवा रही, अभी ये सब रिपीटेड रिपीटेड वही 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 चीजें आ रही हैं। तो यहाँ तक आपका एक बेस बन जाना चाहिए कि क्वेश्चंस कैसे होते हैं। अब देखो मुझे नहीं पता मैं क्वेश्चन 30 इसमें करवा पाऊंगी या नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 1.5 घंटे का वीडियो ये हो चुका है,
तो एक और पार्ट हम बना लेंगे जिसमें और बाकी के सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो अभी हम करते हैं इसके अंदर, देखो क्वेश्चन 28, 1 मिनट, क्वेश्चन 28 भी आपको ही करना है। क्यों? ये वही है अल्फा गामा वाला, अल्फा गामा वाला ऐसा क्वेश्चन आप पहले भी अभी मेरे साथ कर चुके हो, ये अल्फा गामा वाला ही क्वेश्चन है, ये भी आपको क्या करना है सेल्फ। ठीक है, तो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है, अगेन इट इज इजी, और एक चीज देख लो पास्ट पेपर में आ चुका है। ठीक है, मेरी एडवाइस हमेशा यही रहेगी, देखो मेरा काम है, एक एक बार मैंने ये क्वेश्चन तुमको डिस्कस करवा दी, बट तुमको पता है क्या करना चाहिए, टाइमर लगाओ और टाइमर लगा के 25 मिनट्स में ये क्वेश्चन बिना देखे पहले सॉल्व करके देखो। जब तुम बिना देखे सॉल्व करके देखोगे तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी मिस्टेक्स कितनी है, कहाँ कहाँ होती है, फिर मजा आएगा। ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। 27, मिस्टर ऋषि रजिस्टर्ड पर्सन है महाराष्ट्र के। अब ये बोलते हैं कि भाई ये जो रजिस्टर्ड पर्सन है उन्होंने जनवरी मंथ की कुछ डिटेलिंग हमको दे के रखी हुई है। अरे कितने अच्छे हैं, आउटवर्ड सप्लाई भी खुद बोला है, इनवर्ड सप्लाई भी खुद ही ने सामने रह के बोला है, और वो बोल क्या रहे हमें निकालने के लिए, वो हमसे कहीं ना कहीं लास्ट में देखिए क्या पूछना चाह रहे है, बता दो नेट जीएसटी कितना पे करना पड़ेगा कैश के थ्रू फॉर द मंथ ऑफ जनवरी। इसका मतलब बाइफर्केशन नहीं है, स्टेप वाइज मार्किंग का स्कोप है इस क्वेश्चन के अंदर। आगे बोलते हैं, यहाँ थोड़ा सा अगर मैं वापस जाऊं तो ये जो आउटवर्ड सप्लाई है इन्होंने कंप्यूटर सप्लाई किए जो अनरजिस्टर्ड सप्लायर से खरीदे थे, इसने खरीदा था अनरजिस्टर्ड सप्लायर से, सप्लाई से खरीदा तो था लेकिन ये जो कंप्यूटर है विदाउट कंसिडरेशन अपने ब्रदर इन लॉ को दे दिए रांची में, जिसकी मार्केट वैल्यू 62,000। मैम ये क्या बोल रहे हो? मैं कहना चाहती हूँ चालू हो गया इसी आईटीसी में वैल्यू ऑफ सप्लाई। जब आप एक अनरजिस्टर्ड पर्सन से कुछ खरीद के आते हो वो तुमको टैक्स नहीं लगाता, तो जब एक अनरजिस्टर्ड पर्सन ने तुम्हें टैक्स नहीं लगाया होगा तो उसका आईटीसी अवेलेबल नहीं होगा। यस मैम, और तुम्हें पता है एक शेड्यूल 1 है, शेड्यूल 1 का पैरा 1 हमने किया है, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट ऑन विच आईटीसी हैव बीन अवेल्ड। इस पे आईटीसी अवेल कैसे करोगे? क्योंकि खरीदा था अनरजिस्टर्ड पर्सन से, टैक्स पे हुआ ही नहीं था, आईटीसी है ही नहीं, परमानेंट ट्रांसफर कर रहे हो विदाउट कंसिडरेशन, मतलब शेड्यूल 1 लगेगा। तो शेड्यूल 1 कहता है कि अगर आपने परमानेंट ट्रांसफर किया है अपनी असेट को ऑन सच असेट जिस पे आईटीसी अवेल किया है तो सप्लाई होगा। तो भाई वो ट्रांसफर तो तुम किसी को भी कर सकते हो, बट ये देखो ना इस पे आईटीसी अवेल ही नहीं हुआ, अब मार्केट वैल्यू 62,000 दे रहे हैं, बोलते हैं जीएसटी कितना पे करोगे। अरे तुम सोचो आप जीएसटी पे करोगे भी या नहीं, इसके ऊपर सप्लाई ही कंसीडर नहीं होगा ना, क्योंकि कंडीशन थी आईटीसी हैव बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, यहाँ तो आईटीसी नाम की चीज ही नहीं है। आते हैं यहाँ पे मैम, जो हमने कंप्यूटर सप्लाई किया विदाउट कंसिडरेशन वो सप्लाई नहीं है। क्यों? क्योंकि शेड्यूल 1 में बोला जाता है जिसपे आईटीसी अवेल किया हो, और इसपे तो आईटीसी ही अवेल नहीं किया। इतनी छोटी छोटी बारीकियों को तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। सेकंड, सप्लाई अ कंसाइनमेंट ऑफ 10 लैपटॉप टू एनकेएन कंपनी इन महाराष्ट्र। हम भी कहाँ? महाराष्ट्र में, वो भी कहाँ? महाराष्ट्र में। 10 लैपटॉप उनको दिए एट एन इंस्ट्रक्शन ऑफ थर्ड पर्सन, किसी थर्ड पर्सन के इंस्ट्रक्शन पे दिए। मैम बिल्ड टू शिप टू मॉडल तो नहीं बोल रही है, कहीं ये प्लेस ऑफ सप्लाई की बात तो नहीं कर रहे? किसी थर्ड पर्सन ने कहा और हमने महाराष्ट्र वाले को सप्लाई किया, हमारा एक्चुअल सप्लाई तो इसका मतलब मैम ये तमिलनाडु वाले के साथ है, उसने बोला थर्ड पर्सन ने, तो हमने क्या किया इनके नायक को महाराष्ट्र में दे दिया 6 लाख रुपीज के 10 लैपटॉप। तो मैम कहीं यहाँ पे प्लेस ऑफ सप्लाई तो नहीं आने वाला? वही आने वाला है, और एक्चुअल में ये इंटर स्टेट सप्लाई है जिसको हम समझ रहे थे इंट्रा स्टेट सप्लाई, क्योंकि तमिलनाडु है तुम्हारा प्लेस ऑफ सप्लाई। तो यहाँ पे ये हो गया प्लेस ऑफ सप्लाई, ये हो गया वैल्यू ऑफ सप्लाई। वाह वाह, प्रोवाइडेड स्टॉक काउंटिंग सर्विस। अब सर्विस प्रोवाइड किए तुमने इम्पेक्स रजिस्टर्ड
विद जीएसटी इन गुजरात। हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड किया और जिसको सर्विस प्रोवाइड की वही साहब वो गुजरात में है, वेयर इज द प्लेस वेयर द स्टॉक काउंटिंग वॉज कैरीड, बट जिस जगह पे हमने स्टॉक काउंटिंग की थी वो मुंबई है। सर्विस प्रोवाइड की, पर्सन रजिस्टर्ड है गुजरात में, स्टॉक काउंटिंग हुई है मुंबई में, कहाँ रहेगा ये प्लेस ऑफ सप्लाई? ऐसा प्लेस ऑफ सप्लाई जनरल रूल के हिसाब से तो नहीं निकलने वाला मैम, हमको तो समझ नहीं आ रहा। तो देखो, इंट्रास्टेट सप्लाई एज द लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट वुड बी हियर। यहाँ पे लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट आप चेक करोगे, ये एक नॉर्मल सप्लाई के अकॉर्डिंग आप देखना है आपने नॉर्मल सर्विस कहाँ दी, तो वो होता है अगर फिक्स्ड एस्टेब्लिशमेंट है तो देन लोकेशन ऑफ रिसिपिएंट। तो यहाँ पे ये हो गया मैम फिर से इंट्रास्टेट सप्लाई, क्योंकि मुंबई में दिया है। देन प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस ऑफ ही सर्विस अपार्टमेंट इन मुंबई एट डेली रेंट। रेंटिंग सर्विस इमूवेबल प्रॉपर्टी की सर्विस लोकेटेड और इंटेंडेड टू बी लोकेटेड, तो ये लोकेटेड इन मुंबई में, तो हम भी मुंबई में, ये भी मुंबई में, इंट्रास्टेट सप्लाई जिसका डेली रेंट 1500 है फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। मैम समझ में आ ही रहा था प्लेस ऑफ सप्लाई, फिर अचानक से बोल दिया अपना रेसिडेंशियल पर्पस के लिए हम इसको दे रहे हैं, तो मैम रेसिडेंशियल पर्पस के लिए तो एग्जेम्प्ट होना चाहिए, बट मैम यहाँ पे तो ये देखो यहाँ तो टैक्स लगा दिया, ऐसा कैसे? फिर से पढ़ते हैं उसको। सर्विस अपार्टमेंट, रेसिडेंशियल एकोमोडेशन नहीं, सर्विस अपार्टमेंट रेंट आउट किया है, तो सर्विस अपार्टमेंट को जब रेंट आउट करोगे तो वो तो आप क्या कर रहे हो, वापिस आओ यहाँ पे, रेंटिंग सर्विस प्रोवाइडेड रेंटिंग सर्विस ऑफ ही सर्विस अपार्टमेंट ऑन डेली रेंट। भले आप उसे रेसिडेंशियल पर्पस के लिए यूज करें, मैंने तो सर्विस अपार्टमेंट दिया ना, तो फिर ये क्या है, रेसिडेंशियल ड्वेलिंग को रेसिडेंशियल पर्पस के लिए देना होता है, या सर्विस अपार्टमेंट को दे रहे हैं हम किसके लिए, रेसिडेंशियल पर्पस के लिए जीएसटी लगेगा। फिर आता है मैम रिकवरी एजेंट, सुनते से ही मुझे आरसीएम की याद आ गई। रिकवरी एजेंट प्रोवाइडेड एनबीएफसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जो एनबीएफसी दिल्ली में लोकेटेड है, तो रिकवरी एजेंट की सर्विस हमने प्रोवाइड की एनबीएफसी को, तो एनबीएफसी को ही तो मैम यहाँ पे टैक्स पे करना होगा, हम क्यों पे करेंगे, इसीलिए तो नहीं आया क्योंकि यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। बातों को समझो, आईटीसी इज नॉट जस्ट आईटीसी, आईटीसी इज अबाउट ओवरऑल जीएसटी। फिर आता है मैम एडवांस रिसीव्ड ड्यूरिंग द मंथ फॉर फ्यूचर इंट्रास्टेट सप्लाई। मुझे एडवांस रिसीव हुआ, एडवांस अगर गुड्स के लिए रिसीव हो तो आप टैक्स नहीं लगाते, बट सर्विस के लिए रिसीव होता है तो आपको टैक्स लगाना होता है, तो एडवांस इंट्रास्टेट सप्लाई के लिए जो रिसीव हुआ उस एडवांस पे हमने जो टैक्स लगाया वो यहाँ पे लग गया सीजीएसटी एसजीएसटी, क्योंकि वहाँ इंट्रास्टेट दे के भी रखा है। अब मेरा ये पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ मैम, इस एडवांस पे टैक्स क्यों लगाया, क्योंकि ये क्लैरिफाई नहीं किया ये सर्विस है या फिर ये गुड्स के लिए, कुछ भी क्लैरिफाई नहीं किया, तो अभी देखते हैं इसका आगे ये लोग क्या करेंगे। मैम इनवर्ट सप्लाई पे आते हैं, हमने कंप्यूटर एसेसरीज खरीदी कोरिया से एंड गुड्स लैंडेड इन मुंबई एयरपोर्ट एंड रीच्ड एट हीज रजिस्टर्ड प्रमाइस, और उसके रजिस्टर्ड प्रमाइस पे इस दिन क्या हुआ है, आ गए गुड्स। तो कंप्यूटर एसेसरीज बाहर से मंगवाई गई थी, मतलब इम्पोर्ट की है, मुंबई आ गई उसके रजिस्टर्ड प्रमाइस पे। साथ में हमने जीटीए की सर्विस ली, मैं थक गई पता है ये कर करके, जीटीए की सर्विस ली है, हर क्वेश्चन में जीटीए सर्विस है, जीटीए ने ऑप्ट नहीं किया है, 5% पे आपको देना पड़ेगा, जिनसे उन्होंने सर्विस ली है वो कोलकाता में है फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स। अपार्ट फ्रॉम द अबव 15 इनवॉइसेस इन्वॉल्विंग आईजीएसटी 1 लाख ड्यूरिंग द मंथ, इसके अलावा कुछ ऐसे 15 इनवॉइस है जिसमें आईजीएसटी कितने का है, 1 लाख रुपीस का आईजीएसटी जो हमने पे करके रखा है, ठीक है। पिछले ईयर का टर्नओवर दिया है, बोला है ही हैज अवेल्ड सर्विस इन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन, ही हैज अवेल्ड सर्विसेज इज एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन विद टैक्सेबल वैल्यू 4 लाख एंड टैक्स रेट 18%। कुछ इसने और सर्विस अवेल की खुद ने जिसका चार्जेस है 4 लाख रुपीज और 18% जीएसटी है। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर नॉट मेड, अभी तक इसने पेमेंट नहीं किया और 180 डेज से ज्यादा हुआ,
और जब 180 डेज से ज़्यादा होते हैं तो आपका ITC रिवर्स करना पड़ता है, ये आपको पता है, पेमेंट कंडीशन। बोलता है ये जो 15 इनवॉइस है, इन 15 इनवॉइस में से 12 इनवॉइस IGST के जो कितने के 95,000 के, वो तो सप्लायर ने अपलोड कर दिए, लेकिन ऑल द इनवॉइसेस आर एलिजिबल फॉर क्लेमिंग ITC। 15 में से सिर्फ 12 इनवॉइस क्या है, अपलोड हुए हैं। आपको इनवॉइस अपलोड करना पड़ता है, आपका सप्लायर इनवॉइस अपलोड करेगा तभी तो क्या होगा, रिसिपिएंट को ITC मिलेगा। तो 95,000 की ITC में कोई दिक्कत नहीं। फिर बोलते हैं he has sent goods valued 1 lakh to the job worker Kerala में who further processed the said goods and made direct supply from Kerala। हमने जॉब वर्कर को गुड्स भेजे 1 lakh rupees के, उसने वहां से डायरेक्ट सप्लाई कर दिया है फ्रॉम केरल, कहां पे, महाराष्ट्र। तो डायरेक्ट सप्लाई फ्रॉम द जॉब वर्क प्रमाइसेस अलाउड। अब हम जो एडवांस हमें फ्यूचर सप्लाई के लिए मिला था, ठीक है, 5 lakh रिलेटेड टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड रेस्ट इज रिलेटेड टू सर्विस। यही तो चाहिए था मुझे कि भाई, क्योंकि जब सप्लाई ऑफ गुड्स के रिस्पेक्ट में आपको एडवांस मिलता है उस पर टैक्स नहीं लगता, बट सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए जो एडवांस मिल रहा है उस पर आपको क्या लगेगा, टैक्स लग जाए। बाकी रेट वगैरह देखे रखे हैं, अब कोई नई बात नहीं है। तो यहाँ तक तो ये पूरा हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया कि मेरे पास टैक्स लाइबिलिटी कितनी आएगी, बट इनवर्ड पर मुझे कितना ITC मिलेगा। मैम जो GT को आप पे कर रहे हो उसका तो ITC आपको मिलेगा, ये तो मैं समझ ही गई कि GTO को जब मैं पे करती हूँ मेरे कैश लाइबिलिटी में भी आएगा और साथ में मुझे उसका ITC भी मिलेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट ये देखना वो इंटर स्टेट मिलेगा आपको या फिर इंट्रास्टेट, ये ज़रूर देख लेना। जब आप टैक्स भर रहे हो CGST SGST भर रहे हो या IGST भर रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग ITC मिलेगा। मैम जो कंप्यूटर एसेसरीज हमने इम्पोर्ट की, यस, उसका भी IGST है और IGST का ही आपको क्या मिलेगा, ITC अवेलेबल होगा। देन जो GTA सर्विस थी, जैसा बोला उन GTA सर्विसेज पे आपको क्या मिलेगा, ITC मिलेगा ही मिलेगा। अब यहाँ पे मैम एक चीज और आ गई, वो क्या है, हमको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा रिवर्सल भी करना पड़ेगा। अब रिवर्सल किस बात का करना पड़ेगा, ये वाला तुम्हें पता है 15 इनवॉइसेस थे जिसमें से जो अपलोड हुए 12 इनवॉइस, उसका 95,000 का ITC आपको अवेलेबल, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट मैम ये रिवर्सल अब किस बात का, ये रिवर्सल क्यों, याद करो ये रिवर्सल क्यों, क्योंकि हम यहाँ पे एग्जेम सप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, एग्जेम सप्लाई, ठीक है मैम, एग्जेम सप्लाई का और रिवर्सल समझ में आता है। यहाँ पे अगर आप पूरा देखो क्वेश्चन, तो मैम हमें यहाँ तो कोई भी एग्जाम सप्लाई नजर ही नहीं आ रहा, बट तुम याद करो एग्जाम सप्लाई नजर नहीं आ रहा, बट यहाँ पर रिवर्सल तुम्हें नजर आएगा कि तुमने पेमेंट 180 डेज में नहीं की है तो तुम्हें रिवर्सल करना पड़ेगा। जो 180 डेज में तुमने पेमेंट नहीं किया उसका वैल्यू क्या है, 4 lakh rupees, 4 lakh rupees के हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, रिवर्सल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है, कंडीशन फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ सप्लाई 180 डेज एंड ITC does not get added to output tax liability, does not apply to reverse charge supplies, thus ITC on rupees 4 lakh will not be affected। अब ये क्या लिखा है, ये कुछ अलग है। फिर से एक बार हम आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। ये बोल रहा है उसने कोई इंटरस्टेट सर्विसेज ली, ठीक है, जिसकी वैल्यू 4 lakh rupees है, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, टैक्स 18%। बोलता है ट्रांजैक्शन वाज लायबल टू रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, जो सर्विस ली उस पे जो सर्विस इसने अवेल की, ये जो सर्विस उसने 4 lakh rupees की अवेल की, इस पे क्या होगा, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होगा। पेमेंट फॉर द सेम टू द सप्लायर वाज नॉट मेड टिल करंट मंथ। तुम्हें पता है जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में आप टैक्स पे करते हो तो वहाँ पे 180 डेज वाला ये प्रोविजन एप्लीकेबल ही नहीं होता। मैम क्यों नहीं होता ये 180 डेज का प्रोविजन एप्लीकेबल, यहाँ बोलते हैं कि रिसिपेंट ने कुछ लिया तो सप्लायर को 180 डेज में उसको पेमेंट करना चाहिए, क्योंकि सप्लायर को 180 डेज में इसलिए पेमेंट करो क्योंकि सप्लायर तो यहाँ GST पे कर देता है, तुम पे करो नहीं करो उसको, ये जो कंसिडरेशन है तुम सप्लायर को पे करो या नहीं करो, सप्लायर तो जाके टैक्स पे कर देता है।
तुम अगर इसका ITC ले लोगे तो तुमने तो एक्चुअल में टैक्स पे किया नहीं हो, तुमको ITC मिल जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। बट रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में टैक्स तो तुमको ही पे करना था, तो वो 180 डेज का कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्सल यहाँ कैसे अप्लीकेबल होगा जब टैक्स भी तुमको ही पे करना है? तो तुम ITC तब तक नहीं ले सकते जब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का टैक्स पे नहीं करोगे। तो इसलिए यहाँ पे जो रिवर्सल का कॉन्सेप्ट है, वो रिवर्सल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा है। देर इज नो कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल फॉर ये वाले, यहाँ पे कुछ भी क्या है, रिवर्सल का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। देन यहाँ पे बोला है आउटवर्ड सप्लाई दैट इज टैक्स ऑन विच इट इज पेबल अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म इज कंसिडर्ड एज दिस। चलो मैम, ये 180 डेज वाले पे तो हमको कोई रिवर्सल नहीं करना, ये बात हमको समझ में आ गई, लेकिन जो हम सप्लाई कर रहे हैं और वो सप्लाई हमारा रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला है, यहाँ तो सर्विस अवेल की थी, इस पे कोई हमारा क्या नहीं है, रिवर्सल नहीं। बट जब मैम हम सप्लाई कर रहे हैं और हमारे सप्लाई पे रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म जहाँ पे एप्लीकेबल हो रहा है, तो वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का तो हमको क्या करना पड़ेगा, एग्जेम सप्लाई, और उस एग्जेम सप्लाई पे क्या आएगा, उस एग्जेम सप्लाई पे तो मुझे क्या करना पड़ेगा, GST का रिवर्सल करना पड़ेगा। अब मुझे ये बताओ, मुझे ये चीज समझनी पड़ेगी यहाँ फिर से कि वो कौन सा ऐसा सप्लाई है जो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में काउंट हो रहा है। तो मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये रिकवरी एजेंट वाली चीज काउंट हो रही है, रिकवरी एजेंट वाला ये जो है ये क्या है, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बकाया काउंट हो रहा है, ठीक है। और कुछ है क्या? रेंटिंग सर्विस नहीं है मैम, स्टॉक काउंटिंग सर्विस नहीं है, और कुछ तो नहीं, बट हाँ हमको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में ये 2 लाख वाली चीज मिल रही है। तो ये देखो, ये 2 लाख का टर्नओवर, टोटल टर्नओवर इतना, तो मेरा ITC जो अवेलेबल है वो ITC अवेलेबल इतना, इस ITC, देखो जब मेरा टोटल टर्नओवर इतना, मेरे पास अवेलेबल ITC इतना, तो जब मेरा 2 लाख का एग्जाम टर्नओवर है, तो रिवर्सल कितना, यहाँ पे आपका क्या निकल जाएगा, रिवर्सल निकल जाएगा। जब आप इन सबको टोटल करोगे ना, तो दैट विल कम टू 1,90,000 ओनली। तो क्या मेरा यहाँ पे रिवर्सल आ जाएगा? यस। तो जो रिवर्सल करने के बाद नेट ITC आपके पास अवेलेबल है, वो रहा नेट ITC। अब आपके पास टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट कर ली, आपके पास नेट ITC भी अवेलेबल है, तो मेरी टैक्स लाइबिलिटी जो मैं पहले ही कैलकुलेट कर चुकी थी, आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कहाँ है, यहाँ पे हमने आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी कैलकुलेट की थी, ये रही मेरी आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी। मेरे पास जितना टैक्स अवेलेबल है, पहले मैं क्या करूंगी, ITC की लाइबिलिटी है तो ITC में यूटिलाइज करूंगी। मतलब ये मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन तो आपको ही देखना पड़ेगा कि आप मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन कैसा रखेंगे। इन्होंने पहले ITC को ITC से कवर लिया, बाकी बचा क्या किया, जो लाइबिलिटी है ITC जितना अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यूज कर लिया। मैम रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हमें कुछ मिलेगा क्या? तो देखो, कैश लाइबिलिटी पे करनी है तो इतनी जो बची कुची, इसमें से जब आप माइनस करोगे जो बैलेंस आएगा वो तो आपको कैश में पे करना है, पर साथ में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म वाला बैलेंस भी आपको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे करना ही पड़ेगा। तो जो लाइबिलिटी आप पे RCM वाली आती है वो भी क्या होती है, कैश में पे होती है, वो भी यहाँ पे आ जाएगी। तो ले देखिए, अगर मैं एक चीज आपको बोलूँ ना, स्टेप क्या है, स्टेप एक ही है, सबसे पहले आप कैलकुलेट करो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी में क्या क्या आता है, फॉरवर्ड चार्ज में जो आप पे करते हो, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में एज अ रिसिपियंट जो आप क्या करते हो, पे करते हो, और ये हमेशा आएगा कैश में, और आपका रिवर्सल वाला आ जाएगा। इनपुट टैक्स लाइबिलिटी ITC में क्या आएगा, जो RCM में आपने पे किया है वो आएगा, जो फॉरवर्ड चार्ज में आप पे करके आए वो आएगा, बस वो 17.5 नहीं होना चाहिए, एग्जेम्प्ट वाले का नहीं होना चाहिए, और ना ही वो नॉन बिजनेस पर्पस वाला होना चाहिए, तो आपको इसका ITC मिल जाएगा। इसके अलावा इसका नेट करेंगे, और नेट करते वक्त हो सकता है आपको क्या अप्लाई करना पड़े, सेक्शन नंबर 49, दैट इज मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ITC। यहाँ पे आपको CGST, SGST अलग अलग मिल सकता है, IGST अलग अलग मिल सकता है, जब ये अलग अलग हो तो 90% चांस है प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजंस अप्लाई करने में, नहीं है दिया हुआ तो कोई बात ही नहीं है।
तो व्हाट आई कैन से, आईटीसी इज ऑल अबाउट द मर्जर ऑफ वेरियस 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 टॉपिक. मुझे नहीं पता अभी यहाँ पे मैंने कितने क्वेश्चन करे, बट अभी आपके साथ मुझे एक वीडियो इसका और बनाना है जिसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 क्वेश्चंस में और डिस्कस करूंगी आईटीसी के. तो दो पार्ट ऑफ आईटीसी क्वेश्चन काम तो आएंगे, बहुत आएंगे. जब तुम आईटीसी मेरे वीडियो देख चुके हो ना, तब ये तुम्हारे फटाफट हो जाएंगे, क्योंकि तुम्हें उधर से अच्छे से पता होगा कि क्या क्या सीख क्या और ये क्या डायरेक्टली हम अप्लाई करें. होप सो द वीडियो वुड बी हेल्पफुल फॉर यू. अभी मेरा गला थोड़ा ना बैठ गया क्योंकि आज ही मैंने रिफंड भी रिकॉर्ड किया, आज ही यही रिकॉर्ड कर रही हूँ. तो कल हम और 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन जो है आईटीसी की वो भी करेंगे, और इसका पीडीएफ यू विल गेट ऑन टेलीग्राम चैनल. ओके चलो, गुड बाय.